गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स आज हम डी का पेपर करने जा रहे हैं जई का ठीक है तो देखिए फर्स्ट प्रॉब्लम क्या है बेटा यहाँ पे दे रहा है वन पॉइंट फाइव ग्राम सैंपल कंटेनिंग ऑक्जिलिक एसिड डाइहाइड्रेट सोडियम हाइड्रोजन ऑक्जिलेट ठीक है ना एक सैंपल दे रखा है जिसके अंदर वन पॉइंट फाइव ग्राम ठीक है सैंपल है जिसके अंदर आपके पास क्या है ऑक्जिलिक एसिड डाइहाइड्रेट दे रखा है और साथ ही साथ आपके पास सोडियम हाइड्रोजन ऑक्जिलेट दे रखा है ठीक है ना और कुछ यूनिट इंप्यूटीज प्रेजेंट ठीक है ना डिजोल्व इन वाटर एंड द एंड्यूशन वॉज सेपरेट इंटू टू इक्वल पार्ट ठीक है तो ये जब ये सैंपल लिया गया इसके इस सैंपल को दो पार्ट में इक्वली डिवाइड कर लिया गया ठीक है ना वन पार्ट रिक्वायर्ड 65 फाइव एम एल ऑफ जीरो पॉइंट वन एम एन एच एक पार्ट जो है वो कितना रिक्वायर ऑक्यूपाई करता है uh, मतलब यानी कि एन एच की रिक्वायरमेंट होती है न्यूट्रलाइज करने के लिए आपके पास सिक्सटी फाइव एम एल ऑफ जीरो पॉइंट वन एम ठीक है और बाई द अदर पार्ट रिक्वायर्ड एटीन एम एल ऑफ जीरो पॉइंट वन एम एसिडीफाइड पोटेशियम पर मैगनेट ठीक है ना तो जो दूसरा पार्ट है वो एटीन एम एल ऑफ जीरो पॉइंट वन एम पोटेशियम पर मैगनेट ऑक्यूपाई करता है मतलब इनकी रेडोक्स टाइट्रेशन का केस है ठीक है ना टू रिज द एंड पॉइंट वाट इज द मास्ट परसेंटेज ऑफ एन ए hc2o4 इन ओरिजिनल सैंपल ओरिजिनल सैंपल के अंदर आपको क्या बताना है na h2c2o4 का na h2c2o4 का आपको परसेंटेज बताना है ठीक है तो देखो इस प्रॉब्लम को किस तरीके से प्रोसीड करेंगे मैं आपको बता देता हूं एकदम सिंपल तरीके से चलो तो पहले इसको ध्यान से देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम को सैंपल कितना दे रखा है 1.5 ग्राम दे रखा है ठीक है ना ध्यान से देखना सैंपल जो दे रखा 1.5 वन ग्राम सैंपल दे रखा, ठीक है ना इसके इस सैंपल को बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड किया ठीक है इस सैंपल के अंदर आपके पास क्या है H2C2O4.2H2 टू सी टू ओ फोर डॉट टू एच टू प्लस साथ में आपके पास क्या है एन ए एच सी टू ओ फोर दे रखा ठीक है ना? अगर बाई द वे मैं एन वन मोल मान लेता हूं और इसका मैं क्या मान लेता हूं एन टू मोल मानता हूं ठीक है ना अब इनको दो डिफरेंट वॉल्यूम में डिवाइड कर दो डिफरेंट पार्ट के अंदर डिवाइड कर लिया जब दो डिफरेंट पार्ट के अंदर डिवाइड करोगे तो जाहिर सी बात है पहले पार्ट के अंदर इसके मोल होंगे इसके एन वन डिवाइड बाई टू आ जाएगा और दूसरे के मोल होंगे आपके पास एन टू डिवाइड बाई टू सेम सेकेंड के अंदर आपके पास क्या होंगे एन वन डिवाइड बाई टू और यहाँ पे आपके पास क्या आएंगे एन टू डिड बाई टू मोल्स आपके पास आ जाएंगे नंबर ऑफ़ मोल्स है ऑक्जिलिक एसिड का और सोडियम हाइड्रोजन ऑक्जिलेट का बात समझ में आ रही ठीक है ना तो यहाँ पे आपके पास एन वन डिवाइड बाई टू और यहाँ पे आपके पास दूसरे में एन वन डिवाइड बाई टू एन टू डिवाइड बाई टू के बराबर मोल्स आ जाए ठीक है ना अब आपके पास टोटल सैंपल जो दे रखा है 1.5 ग्राम दे रखा है ठीक है अब दिया गया क्या कि पहला जो सैंपल है ठीक है ना पहले सैंपल के लिए रिक्वायरमेंट कितनी पड़ती है वो मैं आपको बता देता हूँ फर्स्ट सैंपल के अंदर जरा ध्यान दीजिए फर्स्ट सैंपल में न्यूट्रलाइज करने के लिए एन के 65 फाइव की जरूरत पड़ती है ठीक है ना तो आपके पास फर्स्ट को इसको बेसिकली न्यूट्रलाइज करना है तो इसके लिए जरूरत पड़ेगी 65 फाइव ठीक है ना जिसका कंसनट्रेशन है आपके पास 0.1 पॉइंट वन एम एन के बराबर ठीक है ना जो सेकंड केस दे रखा है सेकंड केस में रिक्वायरमेंट पड़ती है वो मैं आपको बता देता हूँ सेकंड केस में आपके पास 18 एम एल ऑफ जीरो पॉइंट वन एम एसिडफाइड के एम ठीक है ना तो सेकंड के केस के अंदर यहाँ पे आपके पास कितना है 18 एम किसका जीरो पॉइंट वन के एम एन ओ फोर का ठीक है ना बस ठीक है ना ये आपके पास प्रॉब्लम के अंदर डाटा दे रखा अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करेंगे जरा ध्यान दीजिए कि यहां पे ये वाला जो है इसके अंदर ये भी प्रेजेंट और ये भी प्रेजेंट है ठीक है ना दोनों प्रेजेंट है तो दोनों प्रेजेंट है और एन के साथ ट्राइट्रेट किया जा रहा है जाहिर सी बात है जब एन के साथ ट्राइट्रेट किया जाएगा तो इसका मतलब इन दोनों के बीच में क्या होगी एसिड बेस रिएक्शन होगी

क्न इज इक्ल टू टू एन वन प्लस एन टू के बराबर आ जाए ठीक है अब देखो सेकेंड वाला पार्ट देखते तो सेकेंड वाला पार्ट में टाइट्रेशन के लिए हम क्या लेते हैं के एम एन ओ फोर का यूज कर रहे और के एम एन ओ फोर का आपके पास दे रखा है एटीन एम एल प्लस सात में जीरो पॉइंट वन एम किसको कर रहा है इसको कर रहा है, है है, है? है, ठीक ना? अब सी बात है, क्या है? एजेंट है। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा तो इसका मतलब क्या करेगा इसको ऑक्सीडाइज करेगा बात समझ में आ रही इसको भी ऑक्सीडाइज करेगा और इसको भी ऑक्सीडाइज करेगा सी टू ओ फोर माइनस टू एक तरह से सी टू में इसमें कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट जो आ रहा है वो कितना आ रहा है प्लस थ्री के बराबर आ रहा है और जब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरफ करेगा तो ऑक्सीडाइज होगा तो किसमें चलाएगा प्लस फोर के अंदर चला जाएगा किसमें जाएगा बड़ा प्लस फोर के अंदर चला जाएगा ठीक है ना अब देखो इसके इक्वलेंट की अगर बात करें तो यहां पे कितना आएगा मिली इक्वलेंट की बात करें तो यहां पे एटीन इन टू यहां पे कितना आएगा जीरो पॉइंट वन इन टू आपको इसका एन फैक्टर जो होता है कितना होता है फाइव के बराबर एसिडिक मीडियम में प्लस सेवन से किस में आता है प्लस टू में आता है तो जब भी प्लस सेवन से प्लस टू में आएगा तो इसका मतलब इंटू जीरो पॉइंट वन इंटू फाइव तो इजिकल मतलब टू तो तो ये किसके बराबर होगा अब इसके मोल देखिए इसके मोल आपके पास कितना एन वन डिवाइड बाई टू के बराबर है टू इसका एन फैक्टर इसका एन फैक्टर कितना देखिए सी टू ओ फोर माइनस टू ये किसमें

प्लस सात में यहां पे आपके पास क्या एन ए एच सी टू ओ फोर दे रखा है ठीक है इसके मोल आपके पास कितने हैं सेकंड सैंपल के अंदर एन टू, टू तो यहां से क्या आएगा एन टू डि मल्टीप्लाई बाय कितना करना पड़ेगा यह भी किस में जाएगा बताइए प्लस थ्री से किस में जाएगा प्लस फोर में जाएगा तो एन फैक्टर वैसे तो वन होना चाहिए लेकिन कार्बन कितना आ रहा है आपके पास दो आ रहे हैं तो कार्बन दो आ रहा इस वजह से एन फैक्टर इसका कितना आएगा टू के बराबर तो यहाँ पे एन फैक्टर कितना आएगा टू के बराबर तो यहाँ पे देखो यहाँ पे, आप तो पे, पे, पे आपके पास कितना आएगा 1.8 पॉइंट कितना आएगा 5 इजिकल टू यहाँ से क्या आएगा ये टू टू कैंसिल हो जाए कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ से टू टू कैंसिल ये भी टू टू कैंसिल तो यहाँ से क्या आएगा n1 वन प्लस एन के बराबर आ जाएगा ठीक है अब देखो इसको सॉल्व करो यहाँ पे जीरो और यहाँ पे कितना आएगा यहाँ पे आपके पास कितना आएगा फोर और फाइव फोर तो आएगा अब इन दोनों इक्वेशन को हम क्या करते हैं सॉल्व करते हैं ठीक है ना तो देखिए एक बार हटा देता हूँ इसको यहाँ पे लिख लेते थर्टीन इजिकल टू टू एन वन प्लस एन टू और नाइन इज इकल टू एन वन प्लस एन टू ध्यान रखना भाई थर्टीन इजिकल टू एन वन प्लस एन टू और नाइन इज इकल टू आपके पास एन वन प्लस इज इकल टू टू एन वन प्लस एन टू के बराबर आ गया ठीक है ना अब इसको सॉल्व करते तो हम क्या करते फर्स्ट कर लेते तो सेकंड में से फर्स्ट करोगे थर्टीन माइनस नाइन कितना हो गया आपके पास थर्टीन माइनस नाइन तो आपके पास हो जाएगा कितना फोर के बराबर इज टू आपके पास क्या आएगा ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा तो यहां से आपके पास कितना आएगा एन वन तो यहां पे एन वन की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी फोर के बराबर आ जाएगी ठीक है बात करते हैं एन टू की किसी एक इक्वेशन में तो नाइन इजिकल टू क्या आएगा एन वन की वैल्यू कितनी है फोर है सेकंड इक्वेशन में लिख लेते प्लस एन टू तो एन टू की वैल्यू कितनी आएगी फाइव के बराबर आ जाएगी ठीक है ना तो यहाँ जरा गौर करें एन टू की वैल्यू फाइव के बराबर आ रही है और एन वन की वैल्यू आपके पास कितनी आ रही है फोर के बराबर ठीक है, ठीक है? अब आपको निकालना के ये नंबर ऑफ

सी टू ओ फोर का परसेंटेज तो सी बात इसका जो भी वेट होगा ठीक है ना वेट ऑफ आपके पास क्या आएगा एन ए एच सी टू ओ फोर डिवाइड बाई है ना सैंपल का जो वेट दे रखा इनटू आप क्या करोगे हंड्रेड कर लोगे अब देखो आपको अगर इसका वेट निकालना है एन एच सी टू ओ फोर का तो आप क्या निकाल सकते हो मोल बराबर क्या होता है ठीक है बेटा तो यहां से डब्ल्यू बराबर क्या आएगा एन एम. अब इसके मिलीमोल कितने दे रखे देर के एन टू हमने माना था इसके मिलीमोल पांच आर है लेकिन मोल में कन्वर्ट करना पड़ेगा तो थाउजेंड से क्या करना पड़ेगा डिवाइड करना पड़ेगा एन टू साथ ही साथ आपके पास क्या है बेटा इसका मोलक्यूलर वेट अब इसका मोलर वेट निकाल तो ये कितना है ट्वेंटी फोर है ट्वेंटी फोर और यहां पे कितना हाइड्रोजन वन ट्वेंटी फाइव और ये भी कितना है सिक्सटीन सॉरी ट्वेल्व ट्वेल्व ट्वेंटी फोर तो ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फोर कितना होगा फोर्टी एट प्लस वन फोर्टी नाइन ठीक है 1, 49, ना और यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है वापस देखते ये ट्वेंटी थ्री है और ये ट्वेंटी फोर है और यहाँ पे ट्वेंटी फोर इंटू कितना होगा थ्री हो जाएगा ट्वेंटी फोर इंटू थ्री तो यहाँ पे आ आपके पास सेवेंटी टू सेवेंटी टू प्लस ऑक्सीजन कितना है ऑक्सीजन uh, का जो होता है मोलर वेट आपके पास कितना होता है सिक्सटीन के बराबर तो सिक्सटीन इंटू फोर करो सिक्सटी फोर यहाँ पे आपके पास कितना आएगा आपके पास सिक्स uh, और सेवन एंड सिक्स थर्टी सिक्स ठीक है ना वापिस चेक करते ऑक्सीजन का सिक्सटीन इंटू फोर कर लेते तो यहाँ पे कितना आएगा हो गया और ये वाला कितना होगा चौबीस ना और ये वाला कितना आएगा वन और यहाँ पे आप पास है 30, ना? आपके पास 24, 24 कितना तेबिस एंड वन कितना होगा आपके पास चौबीस चौबीस और चौबीस कितना होगा फोर्टी एट एंड फोर्टी एट एंड सिक्सटी फोर देख लेते फोर तो यहाँ पे कितना आएगा टू और यहाँ पे वन एंड uh, यहाँ पे आपके पास कितना आएगा वन वन टू ठीक है ना तो यहाँ पे जरा ध्यान दीजिए, वन वन सिक्स नहीं आएगा वन वन टू आ जाएगा ठीक है ना तो इसको सैंपल में यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा वापस तो लिख ले तो फाइव इंटू थाउजेंड ये तो आपके पास क्या आएंगे इसके मोल्स आगे ठीक है ना उसके बाद में इसको मल्टीप्लाई किससे करोगे आप वन वन टू से ठीक है तो इसका मोलक्यूलर वेट तो यहां पे इसका वेट आया अपॉन में सैंपल का वेट कितना था अपने पास वन पॉइंट फाइव ग्राम था इन टू क्या करोगे हंड्रेड करोगे जब आप इसको सॉल्व करोगे बेटा तब आपके पास आंसर आ जाएगा थर्टी सेवन पॉइंट समथिंग आपके पास आंसर आ जाएगा ठीक है बेटा थैंक नेक्स्ट प्रॉब्लम चलते नेक्स्ट प्रॉब्लम अगला प्रॉब्लम नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या कह रहा है Okay, how many moles of sucrose should be dissolved in 50, 500 gram of water as to get the solution which has difference of which has difference of 104 degree between boiling point and फ्रीजिंग पॉइंट ठीक है ना आपको क्या क्या है बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट के बीच में डिफरेंस बोला मतलब एक तरह से टी बी माइनस टी एफ की वैल्यू जो दे रखी है सॉल्यूशन की वो आपके पास कितनी दे रखी है वन जीरो फोर डिग्री के आसपास दे रखी है ठीक है ना ये वाली वैल्यू दे रखी है ठीक है ना के एफ की वैल्यू आपके पास पता ही है ठीक है ना के बी की वैल्यू पता ही है और कितना दे रखा है आपको पता ही है ठीक है ना तो सबसे पहले कंडीशन लेते जरा ध्यान दें आपको पता है कि डेल्टा टी बी जो होता है के बी इंटू एम के बराबर होता है ठीक है ना ध्यान सुनना तो टीबी को मैं ऐसे लिखता सकता हूँ डे माइनस टी नॉट बी ठीक है ना इजिकल टू अच्छा टी नॉट भी आपके पास कितना होगा वाटर के लिए हंड्रेड होगा ठीक है ना के बी की वैल्यू कितनी दे रही है जीरो पॉइंट फाइव टू ठीक है ना इंटू मैं क्या कर ले तो एम ठीक है ना तो टी बी माइनस ये वाला हंड्रेड हो जाएगा ठीक है ना इजीकल टू जीरो वाली इक्वेशन से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि डेल्टा टी एफ जो होता है वो के एफ इंटू एम के बराबर हो। तो डेल्टा टी एफ जो होता है वो आपके पास क्या होगा टी नॉट एफ माइनस टी एफ इजिकल टू क्या Kf. Kf के एफ के एफ की वैल्यू दे रखी है एम के बराबर ठीक है ना तो यहाँ से आपके पास डेल्टा टी नॉट एफ जो होता है वाटर के लिए कितना होता है जीरो तो पहले ये वाले इक्वेशन को तो मैं फर्स्ट मान लेता हूँ ठीक है ना तो ये जीरो माइनस क्या आएगा? टी एफ इजिकल टू तो आएगा वन पॉइंट एट सिक्स एम के बराबर आ जाएगा ठीक है ना इसको इक्वेशन इक्वेशन नंबर नंबर सेकंड मान अब देखो फर्स्ट और सेकंड को जोड़ दीजिए तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड को जोड़ोगे तो यहाँ से क्या आएगा टीबी माइनस टी एफ आएगा देखो जंग से ठीक है ना माइनस क्या आएगा हंड्रेड इजिकल टू इनको जोड़ोगे तो एम आपके पास कॉमन आ जाएगा एम इन दोनों के अंदर कॉमन लोगे तो अंदर क्या बचेगा वन पॉइंट एट सिक्स प्लस सात में कितना बनेगा बचेगा जीरो पॉइंट फाइव टू के बराबर ठीक है अब देखो टी नॉड माइनस टी एफ जो है इसकी वैल्यू वन जीरो फोर के बराबर दे रखी है तो यहाँ से आपके पास क्या आएगा बड़ा वन जीरो वन जीरो जीरो ठीक है इज इक्वल टू एम इन दोनों को ऐड करो तो यहाँ से आपके पास कितना आएगा एट यहाँ पे थर्टीन वन तो यहाँ पे आपके पास कितना आएगा टू के बराबर टू पॉइंट थ्री एट और वन जीरो फोर माइनस हंड्रेड कितना होगा फोर के बराबर तो यहाँ से थोड़ा सा ध्यान से देखिए तो यहाँ पे आपके पास क्या आएगा फोर इक्वल टू आपके पास कितना आएगा एम मल्टीप्लाई बाई कितना होगा टू पॉइंट थ्री एट के बराबर आएगा ठीक है ना टू पॉइंट थ्री एट के बराबर अब फोर इज इकल टू अब एम की वैल्यू को देखते हैं एम बराबर क्या होता है डब्लू एम बराबर आपके पास कितना है है डब्लू uh, एक तरह से मोल्स ऑफ uh, uh, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में क्या आएगा वेट ऑफ सॉल्वेंट मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने हैं अपन को निकालने सॉल्यूट के मोल्स निकालने भाई ठीक है ना तो एन डिवाइड बाई डब्लू डब्लू आपके पास कितना देर का पाँच सौ ठीक है ना ग्राम में दे रखा है तो उसको के में कन्वर्ट करने के लिए इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और यहाँ से आपके पास क्या आएगा टू पॉइंट थ्री एट अब यहां से आप क्या निकालोगे एन की वैल्यू निकाल दोगे और एन की वैल्यू निकालोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा ठीक है बेटा नेक्स्ट चलते प्रॉब्लम नंबर थर्ड प्रॉब्लम नंबर थर्ड में आपको एक रिएक्शन देर की इसमें आपको क्या बताना है करेक्ट स्टेटमेंट बताना है ठीक है ना तो आपको क्या पूछा है कि एनी टाइम एनआई एसिटॉन दे रहा और बी आर बी आर एक साइड में ठीक है ना बी आर बी आर एक साइड में तो इसमें ई टू मैके आप लगा सकते हो ठीक है न और ई टू मैकेनिक में आपके पास एंटी एलिमेंट होता है एंटी एलिमेंट होगा तो ये आपके पास क्या आ रहा है सेम साइड में आ रहा है ठीक है ना अब सेम साइड में आ रहा तो इसका मतलब क्या होगा ट्रांस वाला प्रोडक्ट बनेगा तो इसके अंदर आपके पास कौन सा बनेगा ट्रांस वाला प्रोडक्ट बन जाएगा ठीक है ना और यहाँ पे ये वाला क्या है पर एसिड पर एसिड बेसिकली क्या करता है इपोक्सीडेशन कराता है और इपोक्सीडेशन कराएगा अब ये एक एक ऊपर नीचे तो इसका मतलब एक तो आपके पास ऊपर की तरफ रहेगा और दूसरा सीएस थ्री आपके पास नीचे की तरफ रहेगा इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री आ रही है क्या नहीं आ रही और प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं आ रही तो इसका मतलब ऑप्टिकली एक्टिव है तो ऑप्टिकली एक्टिव तो इसकी आपको मिरर इमेज को भी आपको कंसिडर करना पड़ेगा तो आपके पास दूसरा प्रोडक्ट ये भी हो सकता है ठीक है ना तो यहां पे आपके पास ये मिरर इमेज है ये दोनों एक दूसरे के क्या है है और एनएनसी सा मिक्सर क्या कहलाता है रेस्मिक मिक्सर कहलाता है ठीक है और रेस्मिक मिक्सर हमेशा ऑप्टिकल इनएक्टिव होता है बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल कंपसन रेस्मिक मिक्सर जो होता है वो ऑप्टिकल इनएक्टिव होता है किसकी वजह से एक्सटर्नल कंपसन वजह से तो बी वाला जो प्रोडक्ट है वो ऑप्टिकल इनएक्टिव होगा ड्यू टू एक्सटर्नल कंपसन ध्यान दिए अगर मीजो कंपाउंड होता ना तो मीजो कंपाउंड बेसिकली किसकी वजह से इंटरनल कंपनसेशन की वजह से बेसिकली आपके पास क्या होता है ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है ठीक है बेटा नेक्स्ट चलते फोर्थ फोर्थ प्रॉब्लम क्या कराए आइडेंटिफाई मेजर प्रोडक्ट फॉर दी फॉलोइंग रिएक्शन आपके पास रिएक्शन दे रहा है किसके लिए आइडेंटिफाई करना है प्रोडक्ट का अब मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे आपके पास ऊपर की तरफ सी एस थ्री दे रखा सॉरी सी एल है ठीक है ना और यहाँ पे आप पास डबल बॉन्ड ठीक है थीके? ना बात करते सी एस थ्री एम जी बी आर की अब एक बात ध्यान रखना सी एस थ्री एम जी बी आर सी एस थ्री माइनस की फॉर्म होगा ये वाला क्या करेगा न्यूक्लो की तरफ भी वो करेगा अब अटैक कहाँ कहाँ पे कर सकता है अटैक तो इस जगह पे भी कर सकता है क्योंकि ये सी एल लिविंग ग्रुप है और एक यहाँ पे भी अटैक कर सकता है तो यहाँ पे सी एस थ्री एम जी बी आर को एक्सेस में दे रखा है और सी एस थ्री एम बी आर को एक्सेस में दे रखा है तो इसका मतलब यहाँ पे भी अटैक करेगा और यहाँ पे भी तो अगर मैं यहाँ पे अटैक कराता हूँ इस जगह पे मैं अटैक कराता हूँ तो यहाँ पे बैक साइड से अटैक करेगा तो इसमें मैकेनिज्म फॉलो होगा और अगर एस एन टू मैकेनिजम फॉल होगा तो जरा ध्यान दे तो यहाँ पे सी एस थ्री जो आएगा वो नीचे की तरफ आएगा और यहाँ पे आप पास क्या आएगा डबल बॉन्ड अब वापिस और सीएस थ्री वैसे एक बात बताऊं मैं इन दोनों में रिएक्टिविटी की अगर बात करें तो रिएक्टिविटी इस डबल बॉन्ड की ज्यादा होती है क्योंकि जब ये वाला अटैक करेगा डबल बॉन्ड पर डबल बॉन्ड में क्या होता है पाई बॉन्ड टूटता है और पाई बॉन्ड क्या होता है वीक होता है एज कम्पेयर टू सिग्मा बॉन्ड इसलिए ये आराम से नहीं टूटता पहले ये टूटता है लेकिन यहाँ पे एक्सेस में दे ही रखा है तो एक्सेस में दे रखा है तो किसी को तोड़ दो कोई फर्क नहीं पड़े दोनों ही आपको रिएक्शन कराने अब मैं इसके ऊपर रिएक्शन कराता हूं तो यहाँ से क्या है सीएस थ्री एम जी बी आर ठीक है ना अटैक कहाँ पे करेगा बताइए यहाँ पे डबल बॉन्ड पे

जाएगा ठीक है बेटा नेक्स्ट चलते अगला आपको क्या पूछा कि आपको बताना है कि यह वाला प्रोडक्ट है ठीक है ना यह किस मेथड द्वारा किस कौन सी रिएक्शन द्वारा प्रिपेयर किया जा सकता है इसके बारे में आपको बताना है ठीक है ना तो पहले एनए है तो एनएच बी एच क्या रिड्यूसिंग एजेंट है तो सी डबल बॉन्ड ओ को रिड्यूस करेगा तो सी डबल बॉन्ड को रिड्यूस करेगा तो यहां पर सीएस टू हो जाएगा ठीक है बेटा अब पीबीआर क्या है यहां से ओ को हटा देगा तो यहां से पी एच सी एच बी आर ठीक है ना अब रोल तो नहीं है ज्यादा से ज्यादा सकता है कि हो सकती है, ना? अब आप बोलो बन जाएगा? नहीं। में आपके पास आर लेना पड़ता है, पहले, आर की के साथ करते है तभी बन है। इसमें यहाँ पे कोई गिलमंद रिएजेंट का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा तो ज्यादा ज्यादा ये हो जाएगा आई माइनस यहाँ पे अटैक करके उसको डिस्प्लेस करेगा तो आई माइनस यहाँ पे अटैक करके डिस्प्लेस करेगा तो यहाँ पे सी एच टू आई आ जाएगा अब ओ सी एस थ्री आ रहा है तो न्यूक्लोफाइल की तरफ भी अटैक करके डिस्प्लेस करेगा तो यहाँ पे CH2 और यहाँ पे OCH3 का फॉर्मेशन होगा हाइड्रोलाइज कराने का को कोई फायदा है नहीं वापिस ये टूट जाएगा मतलब ये वाला जो आपके पास ऊपर दे रखा है वो फर्स्ट रिएक्शन द्वारा आपके पास बन नहीं पाएगा ठीक है ना सेकेंड केस अगर डिस्कस करते हैं तो सेकेंड केस में आप जरा ध्यान दें यहाँ पे आपके पास क्या है पी एच टू सी एच टू यहाँ पे ओ एच आर है ठीक है ना सॉरी पी बी आर थ्री है ना तो PBR3 थ्री केस में अगर ऐसा है जो तो मैं आपको बता देता Pd पीडी डबल बॉन्ड ओ सॉरी यहाँ पे एच दे रखा है और यहाँ पे अगर मैं पी बी आर थ्री ले देता हूं तो इस कंडीशन में आपके पास क्या होगा यहाँ पे बी आ जाएगा यहाँ पे बी आएगा मतलब सी डबल बॉन्ड हो जाएगा अब एन लेते हो तो एन रिड्यूसिंग एजेंट है तो दोनों को क्या करेगा रिड्यूस कर लेगा तो यहाँ पे सी आ जाएगा और अगर सी आएगा तो आगे क्या रिएक्शन हो पाएगी क्या आगे रिएक्शन नहीं हो पाएगी इसका मतलब ये वाला नहीं बन पाएगा तो सेकंड भी आपका आंसर नहीं हो सकता ठीक है ना थर्ड वाले को देखिए थर्ड वाले में देखो यहाँ वाला तो सेम है आपके पास ठीक है ना यहाँ वाला भी आगे सेम है और यहाँ वाला भी सेम है ठीक है ना तो यहाँ वे ये वाला अगर मैं ये वाला लेता हूँ ठीक है ना इसके साथ इसकी रिएक्शन कर तो रिएक्शन होने का कोई मतलब ही नहीं होगा क्योंकि अगर ये न्यूक्लियोफाइल होता ना तब इसके ऊपर अटैक कर लेता फोर्थ वाला देखते तो फोर्थ वाला देखो पी एच यहाँ पे क्या है सी एच टू, ओ एच के बराबर आए पी आर लेते हो तो यहाँ से क्या आएगा पी एच सी एच बी आर अब एल आई क्या है एलआई मेटल है मेटल का, का काम क्या तो इलेक्ट्रॉन देना होता है और मेटल इलेक्ट्रॉन देगा तो इसको इलेक्ट्रॉन देगा तो यहां पे कार्बन एन बना देगा यहां पे सी एच टू माइनस आ जाएगा और यहां पे एल आई पॉजिटिव आएगा ठीक है ना अब माइनस क्या है, निकलोफायल है। निकलोफायल इस रिंग को आराम से तोड़ देगा इस कार्बन पर अटैक करेगा ये वाली रिंग टूट जाएगी तो यहां से क्या बन जाएगा देखो पीएच यहां पे सी एच टू है अटैक कहां पे किया इस जगह पे और यहां पर वापिस आगे क्या है सी एच टू ये वाला o की रहेगा, बाद में हाइड्रोलाइज कर रखा है तो यहां से जुड़ जाएगा तो इसका मतलब ये ये वाला वाला जो है ये वाला है एंड दोनों सेम है इसलिए आपका आंसर कौन सा आएगा फोर्थ वाला आंसर आ जाएगा ठीक है बेटा तो इसमें आंसर जो आएगा बेटा कौन सा आएगा आपका फोर्थ वाला आंसर आ जाएगा ठीक है चलो नेक्स्ट देखते हैं आपके पास ये वाला चाहिए ठीक है ना ये वाला किस कंडीशन में बनता है इससे इसमें कन्वर्जन के लिए बताना आपको ठीक है ना तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ देखिए यहाँ पे डबल बॉन्ड है ठीक है इस तरीके से देखा अगर मैं फर्स्ट वाला केस लेता हूँ बी आर टू लेता हूँ ठीक है ना तो अगर मैं बी आर टू लेता हूँ तो जरा ध्यान दीजिए यहाँ पे डबल बॉन्ड है यहाँ पे बी आर है और इस जगह पे भी क्या आएगा बी आर आ जाएगा ठीक है ना आगे क्या दे रखा है एन दे रखा है ठीक है ना एन में अगर एन दे रखा है तो या तो क्या हो सकता है एस हो सकता है या क्या हो सकता है एस और एस एन टू या फिर क्या हो सकता है ई टू होता है ई टू होगा तो डबल बॉन्ड आ जाएगा जो कि यहाँ पे पॉसिबल यहाँ पे देने रखा है और अगर एस एन टू कराए तो इसकी जगह पे इसकी यहाँ पे पॉसिबिलिटी क्या होगी एस एन टू की ज्यादा होगी और एस एन टू की पॉसिबिलिटी ज्यादा होगी तो इसका मतलब यहाँ पे आपके पास कौन सा बनेगा यहाँ पे ओएच आएगा जबकि हमको ओ एच इस जगह पे चाहिए तो इसलिए आपका फर्स्ट वाला आंसर नहीं हो सकता ठीक है ना आपका फर्स्ट वाला आंसर नहीं हो सकता ये वाला गया आपका ठीक है ना सेकेंड वाला आप एनओ एच लेते हो अब इसमें एनओ एच लेते हो ये जरा ध्यान दे डबल बॉन्ड आ रहा है डबल बॉन्ड मतलब क्या हुआ अल्किन अकीन के अंदर इलेक्ट्रोफिलिक सब इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में एनओए इलेक्ट्रोफाइल है क्या नहीं है एनओ न्यूक्लियोफाइल है तो यहाँ पे रिएक्शन फर्स्ट में कर नहीं पाएगा तो सेकंड ऑप्शन नहीं हो पाएगा ठीक है ना थर्ड वाला देखिए थर्ड वाले में यहाँ पे क्या दे रखा है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन दे रखा है अगर मैं हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन लेता हूँ ठीक है ना तो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन की एक बार बात करें तो यहाँ पे एक जगह पर क्या आ जाएगा ओ एच अगर बाई दे ऊपर की तरफ जोड़ते हो तो एच सॉरी एंटी मार्कोनिक और रूल लगाना है तो एंटी मार्कोनिक और रूल के अंदर जरा ध्यान दीजिए ओ एच इधर की तरफ जोड़ते हो तो एच इधर की तरफ आएगा बात समझ मार आपके पास ओ एच इधर की तरफ जोड़ते हो तो एच इधर की तरफ आएगा अब बाद में बात करते एच बी आर तो एच बी आर क्या करेगा यहाँ से एच प्लस देगा ओ एच को एच टू पॉजिटिव हट जाएगा तो यहाँ से आपके पास कुल मिला के रीअरेंज होकर अल्टीमेटली आपके पास क्या आएगा बी आर इस जगह पे आएगा तो ऐसा हमको चाहिए नहीं इसलिए आपका थर्ड बी नहीं हो सकता फोर्थ वाला देखिए एक बात ध्यान रखिए जब भी आपके पास ब्रोमीन वॉटर दे रखा हो तो ब्रोमीन वॉटर में बी आर पॉजिटिव होता है ये मान के चले और ओएच को आपको क्या मानना है नेगेटिव मानना है मार्कोनी को रूल लगाना है और एंटी एडिशन कराना है क्या कराना है एंटी एडिशन तो ध्यान दे अगर बी आर पॉजिटिव तो यहां पे जाएगा अब मैंने बताया था कि एंटी एडिशन होता है तो अगर ओअ नीचे जुड़ता है तो इधर की तरफ बी आर ऊपर की तरफ जुड़ेगा तो यहाँ पे सीएसटी ऊपर की तरफ रहेगा तो आपके पास ये वाला मैच कर रहा है इसलिए आपका आंसर कौन सा आएगा फोर्थ वाला आंसर आ जाएगा ठीक है बेटा नेक्स्ट चलते हैं देखो क्या कह रहा है ए एस एन के प्रति अभिक्रियाशीलता का क्रम बताइए ठीक है ना एरोमेटिक कंपाउंड के अंदर न्यूक्लियोफिलिक सब्टेशन ठीक है ना तो देखिए बेटा एरोमेटिक कंपाउंड में जब भी न्यूक्लियोफिलिक सब्टुशन आ जाए तो एक बात ध्यान रखना इसका मैं बता देता हूँ जैसे कि अल्किल एलर्ट दे रखा है एरिल एलर्ट दे रखा है न्यूक्लियोफाइल अटैक कहाँ पे करता है इस पॉजिटिव सेंटर पर ठीक है ना ये वाला इधर का आएगा तो यहाँ पे आपके पास क्या आएगा जरा ध्यान दीजिए यहाँ पे आपके पास एक्स है यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया यहाँ पे माइनस चार्ज आ रहा है ठीक है ना अब यहाँ पे बीच में इंटरमीडिएट में क्या बन रहा है कारबेइन और कार्बनिन को स्टेबलाइज कौन करता है जो इलेक्ट्रॉन विद्रोविंग ज्यादा होता है इलेक्ट्रॉन विड्रोविंग कौन सा है फ्लोरिन क्लोरीन और ब्रोमिन में ज्यादा इलेक्ट्रॉन विद्रॉविंग कौन सा होता है फ्लोरीन होता है और फ्लोरीन होता है इस वजह से फ्लोरीन के केस में माइनसाइ इफेक्ट ज्यादा होने की वजह से इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा खींचेगा इसका मतलब नेगेटिव चार्ज कम होगा तो चार्ज स्टेबल हो जाएगा तो इसमें कार्बन फ्लोरीन के केस में सबसे ज़्यादा स्टेबल उसके बाद में क्लोरीन उसके बाद में क्या आएगा ब्रोमिन इसलिए रिएक्टिविटी का ऑर्डर जो आएगा फर्स्ट ग्रेड देन सेकंड ग्रेड देन थर्ड के बराबर आ जाएगा ठीक है बेटा नेक्स्ट चलते एट वाला प्रॉब्लम ठीक है ना देखो यहाँ पे एम जी इथर के साथ रिएक्शन कराई ठीक है अब देखो ये वाला जो दे रखा है ना यहाँ पे मैं बता देता हूँ ध्यान सुनिए अगर बी आर दे रखा तो यहाँ से क्या बन जाएगा एम जी बी आर बन जाएगा इसको आप एज इट इज़ यहाँ पे ऐसे रख लीजिए ठीक है ना ये वाला ले लिया अपन ने ठीक है ये वाला फिर बाद में ई टी ओ ठीक है ना अगर मैं ई टी ओच लेता हूँ उसके बाद में हाइड्रोलाइज कराता हूँ तो ई टी ओच है ठीक है ना ये वाला क्या है बेस है माइनस तो ग्रीनान रीजन के सामने वाले के पास एसिडिक हाइड्रोजन हो तब तो ये माइनस क्या लेता है एच प्लस ले लेता है ग्रिगनाड एजेंट के सामने वाले पास एसडी गाइडो जो तो ग्रगनाड एजेंट बेस की तरफ भी करता है और बेस का काम कहते हैं तो एच प्लस को एप्सटेक करना तो एच प्लस को एप्सटेक करेगा तो ये वाला बन जाएगा ठीक है ना और ये वाला आपके पास क्या रहेगा फिलहाल एज इट इज रहेगा ठीक है ना यहाँ पे इस तरीके से बन जाए अब आगे आपने क्या करा दिया हाइड्रोलाइसिस करा दिया और हाइड्रोलाइसिस की साइट यहां पे एक ही है इस जगह पे ही हाइड्रोलाइज हो पाएगा तो यहां से आपके पास क्या होगा जब आप हाइड्रोलाइज कराओगे तो एच प्लस कैप्स टे करेगा ओ एच यहाँ पे अटैक करेगा तो कुल मिला के एक साइड में तो ये वाला बच जाएगा पूरा और दूसरी साइड में आपके पास क्या आएगा एक तरह से ये वाला आ जाएगा ठीक है ना यहाँ पे सी है एक एच आई ये यहाँ पे ओ एच और यहाँ पे क्या आएगा ओ एच और एक कार्बन पे दो एच एस्टेबल नहीं होंगे तो एच टू हट जाएगा और एच टू हट जाएगा तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा सी एच ओ ठीक है ना और यहाँ पे सी एच ओ आ जाएगा और सी एच ओ जो मैच कर रहा है वो किस में कर रहा है फोर्थ के अंदर इसलिए आपका आंसर कौन सा एक बोटा फोर्थ वाला आंसर आ जाएगा ठीक है चलो नेक्स्ट देखते हैं अब यहाँ पे देखो ये वाला दे रखा है ठीक है ना ये आपको प्रोडक्ट में दे रखा है ठीक है इसमें ज़्यादा बेटर तरीका क्या मैं आपको बता दूँ ज़्यादा बेटर तरीका क्या है कि आप इसको ही ले लीजिए जो आपके पास जो दे रखा है क्योंकि यहाँ पे रिएक्शन का सिक्वेंस बहुत ज़्यादा है और रिएक्शन का सिक्वेंस ज़्यादा हो उस कंडीशन में आप ये करना है कि आपके पास जो ऑप्शन दे रखे हैं ऑप्शन से ऑप्शन के हिसाब से आपको प्रॉब्लम को सॉल्व करना है ठीक है चलो पहला पार्ट लेते हैं यहाँ पे जैसे ये वाला ले लिया फर्स्ट ऑप्शन को लेते सी एस ठीक है ना तो यहाँ पे अगले तो पहले ओजोनलाइसिस करा अगर मैं ओजोनलाइसिस करा तो जरा ध्यान दी ना, तो यहाँ पे आपके पास क्या आएगा डबल बॉन्ड हो और इस जगह पे क्या आएगा डबल बॉन्ड ओ के बराबर आ जाएगा ठीक है ना उसके बाद में पी बी आर थ्री एन ए बी एच फोर लेता हूँ अब देखो एक बार बताऊँ मैं आपको अगर मैं एनओ एच लेता हूँ तो यहाँ पे भी क्या आएगा ओ एच और इस जगह पे भी क्या आएगा ओ एच क्योंकि एनओ एच क्या सॉरी एन ए बी एच फोर क्या रिड्यूसिंग एजेंट है और रिड्यूसिंग एजेंट है तो उसको क्या कर लेगा रिड्यूस कर लेगा ठीक है ना नेक्स्ट चलते यहाँ पे आपके पास क्या आ रहा है पी बी आर सी आ रहा है और अगर पी बी आर थ्री लेता हूँ तो यहां से आपके पास क्या हो जाएगा बताइए इस जगह पे बी आर आ जाएगा और इस जगह पे बी आर आ जाएगा ठीक है ना नेक्स्ट देखते केशन के साथ तो केशन के साथ रिएक्शन कराऊंगा तो जरा ध्यान दे केशन के साथ रिएक्शन कराऊंगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा देखो यहाँ पे सीएन आ जाएगा और यहाँ पे भी क्या आएगा सीएन आ जाएगा ठीक है ना नेक्स्ट क्या करा हाइड्रोलाइसिस और हीट तो अगर मैं हाइड्रोलाइसिस करा तो जरा ध्यान दे तो ये वाला सीएच आ जाएगा और ये वाला भी आपके पास क्या आएगा सीएच अब देखो यहाँ पे भी देखो सीएच है और यहाँ पे भी आपके पास क्या आ रहा है बड़ा सी एच आर है आ रहा है दोनों बाजू में सीओ चार है लेकिन ये सी सीएस थ्री की जो पोजिशन आ रही है वो यहाँ पर जबकि ये यहाँ से पे आ रहा है वन टू और थर्ड पोजिशन पा रहा है तो ये वाला आपके पास फर्स्ट ऑप्शन आपका नहीं हो सकता बात समझ में आ रही क्योंकि अपन ने हाइड्रोलाइज तो ये वाला बन रहा है अपने पास ठीक है ना यहाँ पे आपके पास क्या आ रहा है सी सीएस थ्री जस्ट एडिसन पोजिशन पे आ रहा है तो इसका मतलब यहाँ पे तो बीच में दो कार्बन एक्स्ट्रा आ रहे हैं जबकि यहाँ पे कोई कार्बन नहीं होना चाहिए डायरेक्टली अटैच होना चाहिए तो इसका मतलब आपके पास फर्स्ट ऑप्शन नहीं हो सकता ठीक है ना सेकंड देखते अब देखिए

चलो पी वी आर थ्री भी ले लो और अगर मैं पी वी आर थ्री लेता हूँ तो, तो यहाँ से बी आर आ जाएगा एंड इस पोर्शन पे भी आपके पास क्या आएगा बी आर आ जाएगा ठीक है आगे रिएक्शन करा तो केसियन के साथ केशन एक्सेस में तो केसन के साथ रिएक्शन कराऊंगा तो जरा ध्यान दीजिए यहाँ पे आपके पास क्या आएगा इस जगह पे मैं लेता तो, हूँ यहाँ पे तो सी एन आ जाएगा और इस जगह पे भी आपके पास क्या आएगा सी एन आ जाएगा ठीक है अब देखिए आपको करना कि इसके बाद में हाइड्रोलाइसिस कराना है और अगर मैं हाइड्रोलाइसिस कराता हूँ थोड़ा सा ध्यान दीजिए यहाँ पे अगर मैं हाइड्रोलाइज करो तो ये वाला सीएच में कन्वर्ट हो जाएगा अगेन ये भी आपके पास क्या होगा सीएच में कन्वर्ट हो जाएगा तो दोनों ही आपके पास सीएच में कन्वर्ट होगी अब ऐसा देखो ये वाला मैच कर रहा है देखो यहाँ पे सीएच है ये वाला सीएच ले लिया ठीक है बेटा यहाँ पे आगे कार्बन है कार्बन के आगे सीएच इसके आगे वन टू थ्री और चार कार्बन इसके आगे वन टू थ्री और चार कार्बन आ रहे और उसके आगे आपके पास क्या रहा है आ रहा है तो इसके आगे आ रहा है तो इसका मतलब सेकंड वाला क्या कर रहा है मैच कर रहा है तो इसलिए आपका आंसर कौन सा आएगा सेकंड थर्ड और फोर्थ देखने की जरूरत नहीं क्योंकि सिंगल चॉइस के क्वेश्चन है ठीक है ना चलो नेक्स्ट देखिए बेटा यहां पे आपके पास क्या कह रहा है ये वाला दे रखा है हम कौन सा लेक रिएक्शन करने के बाद ये वाला बन जाए ठीक है ना हम इसके अंदर से कौन सा लेख इसके रिएक्शन करने के बाद ये वाला बन जाए ठीक है ना अब देखो पे थोड़ा सा प्रोडक्ट से डिसकनेक्शन मेथड आपको अप्लाई करना पड़ेगा यहाँ पे है ये वाला है ठीक है ना तो देखो इस रिएजेंट के अंदर आपके पास क्या आ रहा है सी एच टू चार बार आ रहा है कितनी बार आ CH2 चार बार तो सी एच टू इसके अंदर एक दो तीन और चार बार केवल इस रिंग के अंदर आ रहा है जरा ध्यान देना केवल इस तरफ आ रहा है ठीक है ना चार बार इसमें दो कार्बन बनी आ रहा है तो हम पहले इस वाले पार्ट पे ज्यादा फोकस करते हैं एक बात ध्यान रखिए ग्रिगनाट रिएजेंट जो है जब भी एलडी एड एंड कीटोन के साथ रिएक्शन करता है तो एल्कोहल देता है एंड एसि या फिर एसिड डेरिवेटिव के साथ एसिड डेरिवेटिव के साथ भी दे देता है ठीक है ना लेकिन एसिड डेरिवेटिव में आपको एक्सेस में लेना लेना होता है कि आर पहले एक बार रिएक्शन कराया और दूसरी बार वापिस और आगे न्यूक्लोपलिक एडिशन रिएक्शन करवानी पड़ती है ठीक है ना आगे देखिए तो अगर मैं इसको तोड़ता हूँ एक मिनट के लिए देखिए आप अगर मैं ये वाला पार्ट लेता हूँ तो यहाँ से देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड ओ लेता हूँ इस जगह पे आप पास एजिटीज रहेगा ये वाला पार्ट है आपके पास एक दो तीन चार कार्बन है वन टू थ्री वन टू थ्री एंड ये वाला कितना आएगा फोर ठीक है और यहां पे मैं अगर एम जी बी आर लेता हूं ठीक है हमने इसको डिसकनेक्ट किया तो ये वाला न्यूक्लोफाइल यहां पे अटैक करके ये वाला बन जा बन गया होगा हम ऐसा एज्यूम कर रहे कि ये वाला न्यूक्लियो यहां पे अटैक करके यहां से ये वाला बन गया होगा न्यूक्लियोफ्लिक एडिशन रिएक्शन हो गई होगी लेकिन यहां पर सीएस थ्री एम जी बी आर दोनों तरफ आ रहे हैं एम जी बी आर इधर की तरफ आ रहा है और साथ ही यहां पर बोल रहा है कि इस जगह पे भी आ रहा है तो इस जगह पे भी आ रहा है तो इसका मतलब यहाँ पे आपके पास क्या होना चाहिए इस जगह पे आपके पास कोई ना कोई लिविंग ग्रुप होना चाहिए क्या होना चाहिए लिविंग ग्रुप और अगर लिविंग ग्रुप होगा तब ये वाला दूसरे वाला जो है एम जी बी आर यहाँ पे माइनस अटैक करके इस लिविंग ग्रुप को हटा देगा तो इसका मतलब यहाँ पे आपके पास क्या होना चाहिए ऐसा स्केल्टन होना चाहिए रिएक्टेंट के अंदर और यहाँ पे आपके पास कोई लिविंग ग्रुप होना चाहिए ऐसा स्कैल्टन इसमें भी नहीं आ रहा है केवल और केवल इसमें आ रहा है ठीक है ना तो यहाँ पे ऐसे डेरिवेटिव जो होते हैं

अब देखो वैसे एस जो है डबल बॉन्ड पे भी रिएक्शन कर सकता है इस जगह पे न्यूक्फ्लिक सॉरी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो सकती है और यहाँ पे आपके पास क्या इलेक्ट्रॉन है तो इन दोनों के बीच में एसिड बेस रिएक्शन भी हो सकती है तो ध्यान दे पड़ा एसिड बेस रिएक्शन ज्यादा फास्ट होती है एस कम्पेयर टू इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन तो पहले यहां पे ध्यान रखना है एसिड बेस रिएक्शन ही कराना है और अगर एसिड बेस रिएक्शन कराना है प्रेफ्रेंस के अंदर तो आपके पास यहां से आपके पास क्या बन जाएगा यहाँ पे एक तरह से ऐसे कह सकते हो भाई इधर कितने कार्बन आ रही है एक दो और यहाँ पे आपके पास एक एक्स्ट्रा आ रहा है तो यहाँ पे क्या बन जाएगा ओ एच टू पॉजिटिव अब ओ एच टू पॉजिटिव बनेगा तो ये लिविंग ग्रुप यहाँ से हट जाएगा लिविंग ग्रुप हट जाएगा तो इसका मतलब यहाँ पे आपके पास क्या बन जाएगा एक तरह से यहाँ पे कार्बोकटन आ जाएगा अब कार्बोकटन में यहाँ पे डबल बॉन्ड आ रहा है डबल बॉन्ड का आपके पास क्या हो सकता है बताइए रेजोनेटिक रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बना सकते हो और अगर रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनाओगे तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज चाहे और उसके बाद में बचा हुआ क्या है सी एल माइनस है तो सी एल माइनस इस जगह पे भी जुड़ सकता है एंड सी एल माइनस इस जगह पे भी जुड़ सकता है अब ये आपको प्रिफरेंस में प्रोडक्ट ये वाला लेना है या फिर ये वाला लेना है तो यहाँ पे देखो अगर कार्बो कटन से देखे तो कार्बो कटन ये वाला ज्यादा स्टेबल होगा तो कार्बो कटन ये वाला ज्यादा स्टेबल होता है ये वाला प्रिफरेंस में होना चाहिए लेकिन ऐसा नहीं होता जब भी अल्कीन आ जाए तो अल्कीन के केस में जहां पे डबल बोर्ड है तो के केस में आपको क्या करना है जो अल्किन ज्यादा स्टेबल होती है उसको ज्यादा प्रेफरेंस में देते हैं क्योंकि यहाँ पे दो टाइप के प्रोडक्ट देखते के सीपी होता है एक टीसीपी होता है तो हमको प्रोडक्ट लेना होता है थर्मोडाइनोमिकली कंट्रोल प्रोडक्ट और थर्मोडाइनोमिकली कंट्रोल प्रोडक्ट के अंदर जो अल्किन ज्यादा स्टेबल होगा उसको ज्यादा प्रीफ्रेंस में देंगे तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन देखो सी एस थ्री सी एस थ्री और यहाँ पे सी एस टू आ है जबकि इसमें अल्फा हाइड्रोजन एक भी नहीं आएगा इसमें अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है ये वाला अल्कि क्या होगा ज़्यादा स्टेबल होगा ज़्यादा स्टेबल होगा तो मेजर प्रोडक्ट में आपके पास ये वाला प्रोडक्ट बन जाएगा और ये वाला जो प्रोडक्ट है वो किसके साथ मैच कर रहा है इसके साथ मैच कर रहा है इसलिए आंसर आपका फर्स्ट वाला आ जाएगा ठीक है बेटा नेक्स्ट देखिए आगे चलो पैराग्राफ देखते हैं पैराग्राफ को थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए आप ठीक है ना प्रॉब्लम क्या कह रहा था वेपर प्रेशर ऑफ बाइनरी सॉल्यूशन इज गिवन बाय पीएम इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी वेयर फॉर ए सॉलिड लिक्विड सिस्टम वेपर प्रेशर इज गिवन बाय मतलब लिक्विड लिक्विड का बाइनरी सॉल्यूशन का के लिए आपके पास वेपर प्रेशर का जो होता है पी इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी ठीक है एंड पी एस जो होता है अगर सॉलिड लिक्विड का केस है जिसमें सोल्यड जो है नॉन वॉलेटाइल हो उस कंडीशन में पी एस बराबर पी नॉट एक्स है जहाँ पे एक्स जो होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट होता है ठीक क्या, क्या है ना पूछा गया है द वेपर प्रेशर ऑफ द आइडियल सोल्यूशन इज गिव आपको इक्वेशन दे रखी है पीएम की टोटल प्रेशर की वैल्यू दे रखी तो टोटल प्रेशर जो दे रखा है अपने पास थर्टी टू पॉइंट एट जीरो प्लस साथ में इलेवन पॉइंट टू जीरो एक्स ए के बराबर दे रखा ठीक है अब आपको पहले प्रॉब्लम क्या करें वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बी आपको बताना है प्योर बी का वेपर प्रेशर तो देखो ये वाला जो स्कैल्टन दे रखा है आपको पता है कि पी बराबर क्या आएगा पी नॉड ए एक्स ए प्लस पी नॉड बी एक्स बी के बराबर ठीक है अब ये वाला डाटा केवल और केवल मोल फ्रैक्शन एक्स ए के टर्म में दे रखा है तो हम क्या करेंगे XA को आ, XB को XA के टर्म में चेंज कर लेंगे तो बराबर क्या है P A, X A लिखा जा सकता है प्लस ये वाला क्या है P B, और इसको मैं वन माइनस एक्सए के, तो के बराबर लिख सकता हूँ ठीक है तो जब आप इसको खोलोगे तो यहाँ से आपके पास इसको रीअरेंज करोगे तो पी नॉट बी आ गया प्लस साथ में एक्सए को अगर इन दोनों के अंदर इसके और इसके अंदर से कॉमन लोगे तो यहाँ से आपके पास क्या आएगा एक्सए को कॉमन लोगे तो यहाँ से क्या आएगा पी नॉट ए माइनस नॉट के बराबर आ जाएगा तो कुल मिला के बात यह है कि इस फॉर्मूले को हम रीअरेंज करके ऐसे भी अब इन दोनों अगर तो देखो यहां पर माइनस तो तो पी नॉट बी की जो वैल्यू आएगी वो इलेवन पॉइंट टू जीरो के बराबर आ जाएगी सेम केस नॉट बी ये वाला रहा है तो ये वाला आपके पास कितना है, ये वाला तो पी नॉट बी की वैल्यू जो आएगी वो थर्टी टू पॉइंट एट के बराबर आएगी तो ध्यान दे यहाँ से पूछा गया 12th प्रॉब्लम के अंदर P नॉट B की प्योर B का वेपर प्रेशर बताइए तो प्योर B का वेपर प्रेशर कितना आएगा 32.80 के बराबर आएगा अब बात करते हैं अगर P नॉट A निकालना होता तो P नॉट A निकालना होता तो P नॉट A बराबर क्या होगा P नॉट B उधर चल जाता तो 11.2 में से प्लस कितना करोगे 32.8 कर लोगे तो यहाँ पे ये वैल्यू कितनी आएगी आपके पास यहां पे 0 हो गया यहां पे 1 हो गया और यहां पे फोर फोर के बराबर आएगी ठीक है ना तो यहां पे आपके पास जो वैल्यू आएगी फोर्टी फोर के बराबर पी नॉट ए की वैल्यू आ जाएगी ठीक है भाई तो इसका आंसर जो आएगा ट्वेल्थ का आंसर फर्स्ट के बराबर आ जाएगा ठीक है ना? चलो नेक्स्ट चलते इसका सेकेंड ऑप्शन क्या कह रहा है? यदि वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन

अब यहां पे लिक्विड बी दे रखा है तो वेपर प्रेशर किस, किसका लेना पड़ेगा लिक्विड बी का वेपर प्रेशर लेना पड़ेगा तो प्योर लिक्विड का अपन को पता है 32.80 हमने वहां पे बताया था एन टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉलिड यहां पे सॉलिड ए का मोल फ्रैक्शन 0.1 दे रखा है ठीक है ना सॉलिड ए का मोल फ्रैक्शन एक्स ए का मोल फ्रैक्शन कितना दे रखा जीरो पॉइंट तो आप एक्स बी का खुशी खुशी निकाल सकते हो वन माइनस जीरो पॉइंट One, ना तो वन माइनस जीरो पॉइंट वन कितना है का जीरो पॉइंट नाइन तो यहाँ से आप क्या करोगे जीरो पॉइंट नाइन से मल्टीप्लाई करोगे और जब जीरो पॉइंट नाइन से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास ये वाली जो वैल्यू आएगी वो आपके पास पी की आएगी और वो वैल्यू ऑलमोस्ट ट्वेंटी नाइन पॉइंट फाइव एम एम एच जी के बराबर आ जाएगी ठीक है भाई चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो प्रॉब्लम क्या कह रहा है कि यहां पे हाइड्रोकार्बन देर का मूलकुल फॉर्मूला वगैरह जो भी है ठीक है ना इसको थोड़ा सा ढंग से देखना पड़ेगा आपको क्या कह रहा है इसको ढंग से समझिए आप हाइड्रोकार्बन ए मोल फॉर्मुला सी सिक्स सी एट एच ट्वेल्व ठीक है तो पहले तो ये देख रहा है हाइड्रोकार्बन जो दे रखा है सी एट एच ट्वेल्व इसका दे रखा है ए का सी एट एच दे रखा ठीक है नेक्स्ट चलते आगे क्या कह रहा है इन्होंने एन ट्रीटमेंट विद एक्व एनएड बाईक्शन विध सी एस एम जी बी आर यह हमने किसके साथ रिएक्शन किया सी एस थ्री बी आर के साथ रिएक्शन किया? 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 किया तो देता क्या है अपने पास जो देता है वो आपके पास देता है सी नाइन एच फोर्टीन ठीक है ना तो मैं लिख लेता हूँ सी नाइन एच फोर्टीन देता है, जैसा प्रॉब्लम कह रहा है उसी के हिसाब से करें करो अब सी नाइन एच फोर्टीन कह रहा है और बी का ऑन ऑक्सीडेशन विन फोर गिवस सी अब इसका जो ये जो बी कह रहा है इस बी का आपने क्या करा दिया ऑक्सीडेशन करा दिया ठीक है ना के एम एन ओ फोर द्वारा एसिडिफाइड के एम एन ओ फोर द्वारा ऑक्सीडाइज ऑक्सीडेशन करा दिए अब ऑक्सीडेशन कराओगे करा तो आपके पास क्या मिल रहा है सी सेवन क्या मिल रहा है सी सेवन एच ट

तो क्लोरिनेशन मोनो क्लोरिनेशन कराने पे केवल एक प्रोडक्ट देता है ये वाला ठीक है तो अगर मैं इसका भाई किया तो ये वाला जो भी इसके बाद में इन्होंने क्या किया कि पे क्लोरीनेशन करा दी और क्लोरीनेशन जब कराया गया तो केवल मोनो डेरिवेटिव बनाता है मोनो डेरिवेटिव ठीक है ना ध्यान सुनना मोनो डेरिवेटिव अब ये मोनो डेरिवेटिव क्या है वो भी देख लेते ये अपने पास क्या सी सिक्स एच इलेवन सी एल ए ये वाला अपने पास सी सिक्स एच इलेवन एच इलेवन सी एल ठीक है ना एच इलेवन सी एल ठीक है ना ऐसा दे रखा ठीक है थीके? तो आपको एक ही पहचान करनी है जो भी पैराग्राफ में दे रखा है आपको पहचान करनी है। तो देखिए बेटा सबसे पहले सीक्वेंस को सबसे लास्ट में देखिए ये मोनो डेरिवेटिव है ठीक है ना और यहाँ पे कार्बन कितने आ रहे टोटल छः आ रहे हैं ठीक है ना तो कार्बन छे तो मोनो डेरिवेटिव का केस तभी हो सकता है जब आपके पास कुछ इस टाइप का स्कैल्टन हो भाई अगर डी निकालोगे तो डी की वैल्यू इसके अंदर वन आएगी और डी की वैल्यू में वन आएगी तो इसका मतलब साइक्लिक कंपाउंड हमने ये वाला केस कंसिडर किया बाकी ऑप्शन में भी आपको साइकिल की दे रहेगा तो हम साइकिल के ही कंसिडर करेंगे ठीक है ना तो मोनो डेरिविटी है तो इसका मतलब इससे पहले जो रहा होगा यहाँ पे वो इस फॉर्म में रहा होगा अभी बास में क्योंकि तभी इस, जब इसका मोनोक्लोरेशन कराओगे सिंगल प्रोडक्ट बनाएगा तो केवल इसी केस में पहुंचे अगर फाइव वेमर रिंग बना दी तो फाइव मेंबर रिंग के केस में आपके पास इस तरीके से बन जाएगा भाई ठीक है फाइव मेंबर रिंग का केस लेते हो तो उस कंडीशन में आप पास यहाँ पे भी जुड़ सकता है यहाँ पे भी यहाँ पे भी तो अलग अलग पॉसिबिलिटी हो सकती है तो उसके केस में मोनो डेरिवेटिव आपको ऑप्टेंड नहीं हो पाएगा ठीक है ना हमको यहाँ पे क्या चाहिए मोनो डेरिवेटिव तो ये तय है कि आपके पास इसके केस में ये वाला होना चाहिए अब ये वाला होना चाहिए तो अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ तो जाहिर सी बात है क्लोरिनेशन से पहले ये वाला रहा होगा और क्लोरिनेशन से पहले ये वाला रहा होगा तो इसका मतलब यहाँ पे एनओ एच प्लस सीओ के साथ रिएक्शन कराई डी कार्बो कराया तब ये वाला बना इसका मतलब उससे पहले आपके पास ये वाला सीएएच यहाँ पे रहा होगा तो जो सी है जो सी है वो सी अपने पास कुछ इस तरीके से होगा ये वाला आपके पास क्या होगा सी के बराबर होगा ठीक है ना ये वाला जो आ रहा है वो इस तरीके से होगा अब केमेनओ फोर के साथ यहाँ पे सी टोटल नाइन थे टोटल कार्बन नाइन थे और इधर आपके पास सात रहेगा ऑक्सीडेशन करने के बाद तो मतलब ऑक्सीडेशन में यहाँ पे दो पार्ट में डिवाइड हो गया होगा ठीक है ना अब पहले मैं बात करता हूं कि यहां पे सी एच एन एन एच टू देखा है और एन एन एस टू टर्मिनल अलकाइन के साथ रिएक्शन करता है ये आपको पता है टर्मिनल अलकाइन के साथ रिएक्शन करता हूँ तो अगर बाई द वे मैं इसको सेवन सिक्स मेमरिंग तो ले लूँ और यहां पे अगर टर्मिनल अलकाइन लेता हूं ठीक है ना तो यहां पे टोटल फॉमूला सी एट एच ट्वेल्व का बन जाता है एन एन एच टू के साथ रिएक्शन करूंगा टर्मिनल एन 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 एच टू माइनस एच प्लस को एब्सटेक करेगा और एच प्लस को एब्सटेक करेगा तो यहां से आपके पास क्या बन जाएगा देखो यहां पे सी एस थ्री माइनस एन ए प्लस बन जाएगा ठीक है ना एंड

वो मैं आपको बता देता हूं हाँ प्रॉब्लम पहले क्या पूछा है कि स्ट्रक्चर ए सटिस्फाई ऑल कंडीशन तो ए के बारे में मैंने बताया था कि ए अपने पास क्या होगा ये वाला हो जाए ठीक है बड़े आगे चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट क्या कह रहा है कि आपको क्या बी के बारे में बताना है ठीक है ना बी के बारे में और अपन को याद है बी के बारे में हमने ऐसा बताया था कि बी कुछ ऐसा है ठीक है ना बी के बारे में हमने ये वाला बताया था ठीक है ना ये वाला बी ठीक है थीके? इसके बारे में आपको बताना है ठीक है अब पहला क्या कह रहा है कि बी ऑन ट्रीटमेंट विद कैटलिस्ट फॉलोड बाय रिएक्शन विद के एम एन ओ फोर गिव मीजो डायोल ठीक है ना मीजो यहाँ पे किसी भी हालत में नहीं बन सकता भाई मिजो क्यों नहीं बन सकता क्योंकि दोनों तरफ आपके पास क्या डिफरेंट आ रहा है भाई अगर आप रिडक्शन करा भी दोगे तो कोई फर्क पड़ना नहीं मिजो में यहां पे दोनों तरफ क्या होना चाहिए सीमेंट होनी चाहिए तो अब आप रिएक्शन कराओगे तो सीमेंट वहां पे नहीं आ पाएगी ठीक है ना तो फर्स्ट वाला तो किसी भी हालत में नहीं हो सकता ठीक है ना बात करते हैं सेकंड वाले की क्या कह रहा है कि बी ऑन ट्रीटमेंट विद वन इक्वलेंट ऑफ बी आर टू गिव द मिक्सचर ऑफ जोमेटिक इन कंपेरेबल अमाउंट ठीक है ना तो देखो प्रॉब्लम को थोड़ा सा ध्यान देखिए कि अपने पास जो है ना इसके साथ इसके ये आपके पास सी एस्त्री है ठीक है ना ब्रोमिन के साथ रिएक्शन कराते हो ठीक है ना तो जाहिर जी बात है आपके पास एंटी एडिशन होता है इसके अंदर ठीक है ना बी आर टू के अंदर तो एंटी एडिशन होगा तो यहाँ पे आपके पास क्या आएगा सी एस थ्री ऑपोजिट में आएगा इधर बी आर और बी आर ऑपोजिट में आएगा और यहाँ पे आपके पास क्या आएगा ये वाला आएगा ठीक है ना तो यहाँ पे केवल और केवल ट्रांस वाला प्रोडक्ट बनेगा सिस वाला नहीं बनेगा तो सेकंड वाला स्टेटमेंट फर्स्ट वाला गलत हो ही गया था सेकंड वाला स्टेटमेंट भी आपके पास क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा ठीक है ना थर्ड वाला क्या कह रहा है कि बी ऑन ट्रीटमेंट विथ एन ए एन एस थ्री ठीक है ना एन एन एस थ्री के साथ रिएक्शन मिक्सर ऑफ डाइबोरेन ठीक है चलो देखते कि अगर मैं इसको मैं किसके साथ रिएक्शन करूं बेसिकली रिएक्शन पूछी थी आपको किसके साथ एन ए एन एस थ्री के साथ, साथ ठीक है तो अगर मैं एनएनएस लेता हूँ ठीक है ना एन एन एस थ्री तो इसमें एंटी वाला प्रोडक्ट बनता है ठीक है ना कौन सा वाला बनता है एंटी वाला यहां पे एच यहाँ पे एच और यहाँ पे क्या आएगा सी एस थ्री आएगा ठीक है ना उसके बाद में अगर मैं बात करूँ कि इसके बाद में बी आर टू के साथ रिएक्शन करूँ तो बी आर टू में एंटी एडिशन होगा तो यहाँ से क्या आएगा एच एच आ जाएगा ठीक है ना एंटी में और इस जगह पे बी आर बी आर आ जाएगा और यहाँ पे आपके पास क्या आएगा ये वाला रिंग आ जाएगी और इस जगह पे आपके पास क्या आएगा सी एस तो देखिए ये वाला जो है ये वाला जो है बेटा ऑप्टिकली एक्टिव है और ऑप्टिकली एक्टिव है तो इसकी मिरर इमेज को भी कंसिडर करना पड़ेगा तो मिरर इमेज को कंसिडर करना पड़ेगा तो इसका मतलब यहाँ पे रेस्मिक मिक्सर बन जाएगा क्या बन जाएगा बेटा रेस्मिक मिक्सर ठीक है ना तो यहाँ पे आपके पास क्या बन जाएगा बेटा रेस्मिक मिक्सर का फॉर्मेशन हो जाएगा ठीक है तो कहने का मतलब यह है कि अपने पास जो ये वाला जो थर्ड वाला है वो स्टेटमेंट क्या हो गया सही हो जाएगा ठीक है आगे देखिए फोर्थ वाला बी ऑन ट्रीटमेंट विद एच जी एसओ फोर एच टू एसओ मिथाइल कीटोन एज ए मेजर प्रोडक्ट ठीक है ना तो अगर मैं इसके साथ रिएक्शन करूँ जैसे बाई वाला हमने लिया था ठीक है ना और हमने क्या किया एच जी एसओ फोर एच टू एसओ फोर के साथ रिएक्शन करो तो मार्कोनिक और रूल लगेगा तो इसके अंदर फाइनल प्रोडक्ट में ये वाला आएगा ठीक है ना तो ये क्या मिथाइल कीटोन है क्या ये वाला आपके पास मिथाइल कीटोन नहीं ठीक है भाई तो इसलिए फोर्थ वाला भी आपका गलत हो जाएगा तो थर्ड वाला आपका सही प्रॉपर आंसर हो जाएगा ठीक है चलो नेक्स्ट चलिए अगला प्रॉब्लम नेक्स्ट प्रॉब्लम आपके पास ये दे रखा है पैराग्राफ दे रखा है इस पैराग्राफ को सॉल्व करना है प्रॉब्लम क्या है कि प्रॉब्लम यहाँ पे देखो ये वाला दे रखा है इसके पीसीसी के साथ रिएक्शन किया ठीक है पहले तो एक्स के साथ रिएक्शन किया तो ए बना और उसके बाद में पी का रिएक्शन किया तो बी बना फिर बाद में एम जी के साथ उसके बाद में हाइड्रोलाइस किया तो सी बना और उसके बाद में वाई के साथ रिएक्शन किया तब आपके पास ये वाला कंपाउंड का फॉर्मेशन हो गया ठीक है अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दें प्रॉब्लम को करने का तरीके होने चाहिए कि यहाँ पे आप पास बैंजिंद रहेंगे इस जगह पे भी बनजी नहीं आ रही दोनों जगह पे आपके पास बेटा बैंजिन नहीं आ रही अब मुद्दे वाली बात क्या है दूसरे वाले में देखो एक दो और तीन और चार कार्बन आ रहे और इसमें भी एक दो और तीन और चार कार बना रहे ठीक है कोई दिक्कत वाली बात नहीं कहा चार कार बना रहे ठीक है अब देखो एक बात और ध्यान रखी कि पी जो है वो क्या करता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरफ बिहेव करता है और किसको ऑक्सीडाइज़ करता है एल्कोहल को ऑक्सीडाइज करता है ठीक है ना एल्कोहल को एल डी एडिया कीटोन के अंदर ऑक्सीडाइज करता है अच्छा दूसरी बात चार मेंबर रहेंगे अपने पास इधर चार मेंबर रहेंगे तो यहाँ से अटैचमेंट जो है वो इसका कहीं ना कहीं इस जगह से हुआ होगा ठीक है ना इस टाइप से यहाँ पे कहीं ना कहीं अटैचमेंट हुआ होगा चार का तो यहां पे मैं क्या करता हूं कि अगर ये वाला बना देता हूं, थोड़ा सा कुछ इस तरीके से बना देता हूं ना? तो इस तरीके से उसके बाद में PCC इसको कर एक बार पे है ना पीसीसी अगर ऑक्सीडाइज करता है तो यहां से आपके पास क्या बन जाएगा एक दो तीन चार यहां पे एक दो तीन चार कार्बन ठीक है ना यहाँ पे सीएच आ जाएगा ठीक है ना अब आगे एम जी के साथ रिएक्शन किया

तो एडिशन रिएक्शन कराओगे तो यहाँ से आपके पास क्या बनेगा ये वाला बन जाएगा ये इस तरीके से ठीक है ना और यहाँ पे इस जगह पे आपके पास क्या सिक्स मेंबरिंग इस जगह पे ओ एच आएगा और अगर बाई द वे में यहाँ पे डबल बॉन्ड लाना है तो इसके लिए अपन को क्या करना पड़ेगा डी एडिटिंग एजेंट लेना पड़ेगा तो डी एडिटिंग एजेंट पीओ सी एल थ्री पी सी एल थ्री ले सकते हो डे टू एसओ फोर ईटअप ले सकते हो तब आपके पास ये वाला कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाएगा अब देखो एक्स तथा ए के बारे में बताना है तो एक्स यहाँ पे है ठीक है डबल बॉन्ड को हमने इसमें कन्वर्ट किया तो यहां पे ओ एच को हमने साइड में लिया ठीक है ना इधर ले गए तो फिर सिर्फ फाइव मेंबरिंग बन पाएगी अगर ओ एच को यहां पे ले तो फाइव तो मेंबरिंग बन पाई हमको सिक्स मेंबरिंग चाहिए तो इस कंडीशन में एक्स जो है हम क्या लेंगे एंटी मार्कोनी का रूल जो फॉलो करवाए वो लेंगे और एंटी मार्कोनी का रूल ये वाला फॉलो कर सकता है ठीक है ना तो इसके बारे में तो आपके पास ये वाला आएगा सेकेंड वाला ठीक है ना और ए क्या है ए हमने दिया कि आपके पास ये है तो आपके पास ये वाला आ जाएगा ठीक है ना आगे चलते हैं नेक्स्ट फिर बाद में आपको पूछा गया सी तथा वाई के बारे में पूछा गया ठीक है ना तो सी देखो ये वाला है तो सी अपने पास ये वाला होना चाहिए एक तरह से ठीक है ना तो सी ये तो नहीं हो सकता किसी भी आलम क्योंकि यहाँ पे ओ OH एच इस तरह आ रहा है ठीक है ना ये वाला हो सकता है ये भी नहीं हो सकता ये भी नहीं हो सकता ठीक है ना तो अपने पास फर्स्ट आएगा क्योंकि पी सी एल सी है ना डीहाइड्रेटिंग एजेंट है तो यहाँ से वाटर को एब्जॉर्व करेगा तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा और डबल बॉन्ड आएगा तो इसका मतलब ये वाला कंपाउंड बन जाएगा ठीक है तो इसका आंसर जो अगर बड़ा फर्स्ट वाला आंसर आ जाएगा ठीक है चलो नेक्स्ट चलते अपन चलो अगला क्या कह रहा प्रॉब्लम पैराग्राफ फोर ऑर्गेनिक कंपाउंड दे रखा सी फाइव एच नाइन बी आर डी कलर इज ब्रोमिन वाटर ठीक है ना ब्रोमिन वाटर को इसको थोड़ा सा ढंग से देखते हैं ठीक है ना मैं वापिस बता देता तो हूं आपको सी नाइन सी फाइव एच नाइन बी आर ठीक है ना सी फाइव एच नाइन बी आर दे रखा ठीक है इसके बारे में क्या क्या है इसके बारे में ये कह रहा है कि डी कलर इज ब्रोमिन कलर ऑफ ब्रोमिन वाटर बट डज नॉट रोटेट प्लेन पोलराइज लाइट ठीक है ना तो इसके बारे में ये है कि ये वाला जो है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है पहली बात ठीक है ना एंड ब्रोमिन वाटर के साथ रिएक्शन कर लेता है ठीक है ना पहले ध्यान रखें कि इसके बारे में ये कह रहा है कि भाई ब्रोमिन वाटर के साथ रिएक्शन कर लेता है तो ब्रोमिन वाटर के साथ रिएक्शन करने का मतलब ये हुआ कि इसके अंदर या तो डबल बॉन्ड होगा या फिर ट्रिपल बॉन्ड होगा दूसरी बात ऑप्टिकली इनएक्टिव है ऑप्टिकली इनएक्टिव मतलब वहां पर होना नहीं चाहिए ठीक है न? चलो आगे क्या कह रहा है इसके अंदर स्टेटमेंट में ए ऑन ट्रीटमेंट आर ओ फॉर्म ठीक है न? अब इन्होंने क्या किया ए को हमने रिएक्शन किया ये जो ए है इसको रिएक्शन किया एच टू ओ टू ठीक है ना एच टू ओ टू के साथ रिएक्शन किया एक सेकेंड देख लेते हैं एच बी आर ठीक है ना मतलब एच बी आर ठीक है ना पर ऑक्साइड की प्रेजेंस में एच बी आर के साथ रिएक्शन कराई ठीक है ना तो इससे इन्होंने ये बनाया सी फाइव एच टेन बी आर टू ठीक है ना सी फाइव एच टेन बी आर टू यहाँ पे बना दिया ठीक है आगे देखिए विच ऑन फर्दर ट्रीटमेंट विथ एनओ एच गिव द फॉलोइंग साइक्लिक इथर ठीक है अब इन्होंने क्या किया आगे एनओ के साथ रिएक्शन किया तो इन्होंने इस टाइप का कोई साइक्लिक इथर बना दिया देखिए ये वाला ये वाला साइक्लिक इथर बना दिया ठीक है अब देखो यहां पे आपके पास डिस्टिंग करना है ए बी क्या है ठीक है ना? चलो देखते अब ये वाला बनाया होगा इसमें बी आर दो आ रहे हैं तो इसका मतलब हो ना हो आपके पास यहाँ पे बी आर रहा होगा अच्छा इसमें कार्बन कितना एक दो तीन चार पांच कार्बन तो यहाँ पे भी एक दो तीन चार पांच ठीक है ना यहाँ पे बी आर बेसिकली हुआ क्या होगा कि यहाँ पे एन जो है ना न्यूक्लोफाइल की तरह अटैक किया होगा तो एक बार अटैक किया तो यहाँ पे ओ आया ठीक है ना और फिर बाद में ओ क्या है न्यूक्लोफाइल की तरफ बी होगा यहाँ पे अटैक करके इसको डिस्प्लेस किया होगा तब आपके पास क्या बना होगा साइक्लिक की बना होगा तो हो ना हो जो बी जो है अपने पास क्या है वो कुछ इस टाइप का कंपाउंड है ठीक है ना यहाँ पे बी आर है और यहाँ पे बी आर ये अपने पास बी के बारे में होगा अब यहाँ पे एंटी मार्कोनिक और रूल लागू हुआ क्योंकि एच बी आर परसाइड में क्या लगता है एंटी मार्कोनिको तो एंटी मार्कोनिको अब ये तो पता है कि इसके अंदर ब्रोमिन वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं इसका मतलब ये टेस्ट देता है और एक बी आर यहाँ पे पहले से मौजूद है तो हमने एक बी आर को रख लिया और इस जगह पे हमने क्या बना दिया डबल बॉन्ड बना दिया तो डबल बॉन्ड बनाने से क्या होगा डबल बॉन्ड बनाने से क्या होगा कि जब आप एच टू टू एच बी आर के साथ रिएक्शन करोगे तो एंटी मार्कोनिक का रूल लागू हो गया और एंटी मार्कोनिक रूल में यहाँ पे बी आर जुड़ जाएगा तो जो कि अपने पास ये वाला आ जाएगा ठीक है ना तो कुल मिला के ए अपने पास ये है क्या इसके अंदर कोई कारियल कार्बन आ रहा है क्या नहीं आ रहा है और कारियल कार्बन नहीं आ रहा ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड होगा ठीक है अब प्रॉब्लम देखिए प्रॉब्लम क्या है कि प्रॉब्लम ये है कि कंपाउंड ए ऑन ट्रीटमेंट विथ एच बी आर प्रोड्यूस कंपाउंड ए को अगर एच बी आर के साथ ट्रीटमेंट करे तो क्या बनना चाहिए ये आपको बताना है ठीक है ना तो कंपाउंड ए जो है वो अपने पास ये है भाई ठीक है ना कंपाउंड ए के बारे में हमने ये बता दिया ये वाला है इस तरीके का कंपाउंड है डबल बॉन्ड और यहाँ से आपके पास क्या है बी आर अब नॉर्मल एच बी आर के साथ रिएक्शन करूँ तो यहाँ पे मार्कोनिको रूल फॉलो हो जाएगा और मार्कोनिको रूल के अनुसार यहाँ पे है. अब इसमें एक कायरल कार बना रहे हैं तो कायरल कार्बन आ रहा है तो ऑप्टिकली एक्टिव होगा ऑप्टिकल उप्तिक ऑप्टिकली एक्टिव होगा तो इसका मतलब क्या होगा इसकी मिरर इमेज को भी कंसिडर करना पड़ेगा और अगर इसकी मिरर इमेज को कंसिडर करना पड़ेगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि वहां पे एक तरह से रेसमिक बन जाएगा ठीक है ना तो पहला ऑप्शन क्या कह रहा है कारियल डाइब्रोमाइट गलत बात हैल नहीं होगा रेसमिक मिक्सर बनेगा सही है सिंगल प्योर एनशियोमन नहीं बनेगा और मीजो डाइब्रोमाइट नहीं बनेगा तो इसमें एक कार्यल कार्बन आ रहा है एक कार्यल कार्बन आने की वजह से यहाँ पे क्या होगा सिंगल आपके पास ए कारियल कार्बन ऑप्टिकली एक्टिव तो इसकी मिरर इमेज को भी कंसर करो तो दोनों का मिक्सर ऑप्टेन हो जाएगा इसका मतलब क्या होगा रेसमिक मिक्सर का फॉर्मेशन हो जाएगा ठीक है भाई चलो नेक्स्ट देखते हैं इसका अगला प्रॉब्लम चलो अगला प्रॉब्लम क्या कह रहा है सेकेंड वाला अब ये क्या कह रहा है कि ए की जो रिएक्शन है वो किसके साथ करी ए अपने पास ये था भाई ठीक है ना ए अपने फाइव मेंबर रिंग थी एक दो तीन चार पाँच ठीक है पांच कार्बन थे इसको पहले इसके साथ रिएक्शन किया किसके साथ एच एच टू वन इक्वलेंट है नहीं तो H2 टू बेसिकली डबल बोन के साथ जुड़ने की टेंडेंसी ज़्यादा होती है तो यहाँ पे जो आएगा अपने पास ये वाला बन जाएगा ठीक है बेटा ये वाला बन जाएगा ठीक है आगे क्या कह रहा है मोनोक्लोरिनेसन कराया अब यहाँ पे मोनोक्लोरिनेशन कराओगे तो क्या क्या बन सकता है देखिए अगर मैं यहाँ पे मोनोक्लोरेशन कराऊँ तो यहाँ पे आपके पास ये ये बन सकता है ठीक है देखिए एक तो बी आर यहां पे सी एल यहाँ पे जुड़ सकता है दूसरा सी एल यहाँ तो बी आर ये दूसरा सी एल यहाँ पे जुड़ सकता है ठीक है और तीसरा सी एल जो है वो इस जगह पर जुड़ सकता है ठीक है और चौथा सी एल है वो इस जगह पर जुड़ सकता है और पांचवा जो सी एल है वो इस जगह पर जुड़ सकता है और सभी जो है वन टू थ्री फोर एंड फाइव सभी एक दूसरे के क्या होंगे पोजिशन आइसोमर होंगे क्योंकि सी एल की पोर्शन डिफरेंट है तो सी एल की पोशन डिफरेंट एक दूसरे के क्या होंगे पोजिशन आइसोमर हो जाएंगे तो यहाँ पे क्या पूछा है कि भाई मोनोक्लोरिन करण पे उत्पाद बनता है तो प्रोडक्ट जो बनेगा वो फाइव पोर्शन आइसोमर फॉर्म है तो फर्स्ट वाली बात आपके पास क्या हो जाएगी सही हो जाएगी ठीक है भाई चलो इस प्रॉब्लम देखिए क्या कह रहा है मोल कॉन्सेप्ट का प्रॉब्लम है ध्यान से देखिए रेडॉक्स टाइप का विच ऑफ दी फॉलोइंग मोलरिटी ऑफ के मेनो कैन बी प्रोड्यूस एटलीस्ट वन ग्राम ऑफ ईच ऑफ सीओ एंड वाटर वैन टू लीटर ऑफ के फोर रिएक्ट विद एक्सेस ऑफ ऑक्जिलिक एसिड अकॉर्डिंग टू रिएक्शन रिएक्शन अपने पास ये दे रखी तो, है मैं वापस लिख लेता हूँ यहाँ पे आपके पास टू के एम एन ओ फोर दे रखा है ठीक है बेटा इसको अपन ने किसके साथ फाइव एच टू सी टू ओ फोर के साथ रिएक्शन कराई प्लस सात में क्या दे रखा है थ्री एच टू एस ओ फोर दे रखा है ठीक है ना वो आपके पास दे रखा है टू एम एन एस ओ फोर ठीक है थीके? प्लस साथ में के टू एस ओ फोर दे रखा है ठीक है प्लस में आपके पास 10 SO2 दे रखा है एंड प्लस साथ में H2O दे रखा है ठीक है ना अब इन्होंने KMnO4 का 2 लीटर ले रखा है पहले से आपको क्या चाहिए कि एट लिस्ट SO2 का 1 ग्राम और H2O का 1 ग्राम चाहिए ठीक है अब देखिए प्रॉब्लम को थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि एट आपके पास या तो क्या होना चाहिए आपके पास एट आपके पास SO2 के 1 ग्राम होने चाहिए एंड साथ ही साथ आपके पास H2O के भी 1 ग्राम होना चाहिए ठीक है तो जैसे रिएक्शन की स्टॉक्योमैट्रिक देर की उसके अनुसार देखो सीओ टू का जो होता है आपके पास कितना था? 44 मोलर वेट. तो फोर्टी तो, ग्राम जब आप ये वाला लोगे और इसका कितना होता है अठारह होता है अठारह इंटू एट कितना होगा वन फोर्टी फोर ग्राम ठीक है ना तो कहने का मतलब ये हुआ कि अपने पास जब एच टू ओ का जब आपके पास H2O का 144 ग्राम बनेगा तब आपके पास 440 ग्राम किसका बनेगा CO2 का बनेगा हमको एटलीस्ट किसका चाहिए 1 ग्राम H2O का चाहिए और 1 ग्राम H2O का चाहिए तो इसका मतलब ये पहले ऑलरेडी 1 ग्राम बन चुका होगा क्योंकि इसका अमाउंट ज्यादा बन रहा है ठीक है ना लेकिन ये नहीं है कि अगर ये जब वन ग्राम बनेगा तो ये अमाउंट वन ग्राम से कम रहेगा हरिभाम में स्टॉक यूमेटेड फोर फोर्टी है तो वन फोर्टी फोर ग्राम आ रहा है तो जब आपके पास सीओ टू वन ग्राम बनेगा तब ये कम अमाउंट में बनेगा ठीक है ना वन ग्राम से कम बनेगा ठीक है तो इसलिए हम मिनिमम जो वैल्यू लेंगे वो किसके लेंगे एच टू के लेंगे एच टू का अगर वन ग्राम बनेगा तब ये इसका अमाउंट सीओ टू का अमाउंट एच टू से क्या रहेगा ज्यादा रहेगा हमको मिनिमम क्या चाहिए दोनों का सीओ टू का और एच टू दोनों का ही आपको क्या चाहिए वन ग्राम चाहिए तो अपन रिएक्शन जो करेंगे इसके अनुसार रिएक्शन कर लेंगे ठीक है बेटा अब इसके अनुसार रिएक्शन करेंगे तो ध्यान दीजिए जब आपके पास आठ मोल ध्यान सुनना जब आपके पास आठ मोल किसका बन चुका होगा CO2 का ये वाट, वाटर का बन चुका होगा तो दस मोल जो है वो सीओ टू का बनेगा अगर एक मोल वाटर का रहेगा तो सीओ टून बाई आपके पास होंगे मोल बन बनाना बेटा वाटर बनाना है, ध्यान सुनना है। अब वन ग्राम वाटर बनाना है, ठीक है ना अब वन ग्राम वाटर का मतलब क्या हुआ एक तरह से मोल कितने वाटर के वाटर के मोल कितने आएंगे ये वाले और जब वाटर के आपके पास वन बाई एटीन मोल जब आपके पास वाटर के बनेंगे तब आपके पास सीओ टू के बनेंगे टेन बाई एट इंटू वन बाई एटीन मोल आपके पास क्या बनेंगे सीओ टू के आपके पास बन जाए ठीक है ना तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दिए सीओ टू के जो मोल है सीओ टू के मोल ठीक है ना तो सीओ टू के मोल आपके पास कितने मिलेंगे टेन डिवाइड बाई वन फोर्टी फोर मोल सीओ टू के मिल जाएंगे ठीक है टेन डिवाइड बाई वन फोर्टी फोर सीओ टू के मिल जाएंगे अब देखो पे पूछा क्या गया है कि अगर आप, आप चाहो तो सीओ टू के टर्म में भी ले सकते हो तो ठीक है ना अब मोलोरिटी है तो नंबर ऑफ इक्वलेंट जो होंगे किसके आपके पास एम इंटू वी की अगर बात करें एम इंटू वी ठीक है ना फाइव इंटू एम इंटू वी फाइव इसका एन फैक्टर है ये जो होना चाहिए वो आपके पास सीओ टू के इक्विमेंट टेन डिड बाई वन फोर्टी फोर इंटू टू करना पड़ेगा क्यों क्योंकि प्लस किस में जा रहा है प्लस टू से प्लस थ्री से आपके पास किस में जा रहा है प्लस फोर में जा रहे तो प्लस थ्री से प्लस फोर में जा रहे रहा मतलब एन फैक्टर इसका कितना आएगा वन लेकिन यहां पे आपके पास दो एटम है इसलिए एन फैक्टर टू आ जाएगा तो एटलीस्ट आपके पास जो है नंबर ऑफ इक्विमेंट जो होने चाहिए के फोर के इसको ऑक्सीडाइज करने लिए इससे ज्यादा होने चाहिए ठीक है ना ताकि आपको मिनिमम वन ग्राम आपको सीओ टू एंड एच टू को मिल सके ठीक है ना तो यहां से V की वैल्यू अपने पास कितनी देर की देखिए V की वैल्यू दो लीटर के बराबर देखिए ये वाली वैल्यू जो होनी चाहिए टेन डिवाइड बाई वन फोर्टी फोर इंटू टू के से ज्यादा होनी चाहिए तभी वो क्या कर पाएगा आ, ये जो है के मेनो फोर इसको ऑक्सीडाइज कर पाएगा तो यहाँ से ही ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे एक तरह से ये टेन और टेन आपस में क्या हो जाएंगे कैंसिल आउट अच्छा सी ओ टू है ना तो यहाँ पे सीओ में कार्बन वन है तो इसका एन फैक्टर आपको वन ही लेना पड़ेगा भाई अगर ये वाला लेते तब एन फैक्टर टू लेते यहाँ पे कार्बन सी ओ टू के अंदर वन आ रहा है ठीक है तो वन ले लिया तो यहाँ से एम की वैल्यू जो आएगी वो आपके पास कितनी आएगी एम मस्ट बी ग्रेटर देन टू आपके पास 144 होना चाहिए तो एम की वैल्यू जो आनी चाहिए 144 से क्या होनी चाहिए ज्यादा होनी चाहिए अब देखिए ऑप्शन के अंदर 144 से ज्यादा वैल्यू किसकी आ रही है एक तो ये वाली आ रही है ठीक है ना ये वाली आपके पास वन फोर्टी फोर से ज्यादा नहीं आ रही ठीक है ना और ये वाली आपके पास 144 वन फोर्टी फोर से ज्यादा से ज्यादा आ रही है और ये भी आपके पास वन डिवाइड बाय वन फोर्टी फोर से ज्यादा आ रही है। तो इसका आंसर फर्स्ट सेकेंड एंड फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ वाला आंसर आ जाएगा ठीक है बेटा नेक्स्ट प्रॉब्लम ठीक है नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या कह रहा है आपके पास ध्यान से सुनिए ऑक्जलिक एसिड ठीक है ना और ऑक्जलिक एसिड का मोनोसोल्ट दे रखा है ठीक है ना दोनों ही क्या करते हैं रिड्यूजिंग एजेंट की तरफ बिहेव करते हैं जब ये भी ये वाले रिड्यूजिंग एजेंट की तरफ बिहेव करेंगे तो किस में जाएंगे सी यू टू के अंदर जाएंगे ठीक है ना विच ऑफ फॉलोइंग आर करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग दिस आपको बताना है कि इनके रिगार्डिंग करेक्ट स्टेटमेंट क्या है ठीक है ना तो पहला ऑप्शन देखिए पे आपके पास ये वाला है और ये वाला है ठीक है हाँ ना देख लेते यहाँ पे आप पास आई एन के सी, सी टू ओ फोर माइनस टू जब भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरफ बीओ करेंगे तो किस में जाएंगे सी ओ टू में यहां पे ऑक्सीजन स्टेट कितनी आ रही है प्लस थ्री आ रही है प्लस थ्री से किस में गया प्लस फोर में गया तो चेंज कितने के आ रहे वन का चेंज आ रहा है लेकिन कार्बन कितने यहाँ पे दो है तो दो है तो इसका इसका एन फैक्टर जो होगा वो कितना होगा दो के बराबर होगा अब यहां पे एन फैक्टर दो के बराबर होगा जरा ध्यान सुने तो आपको पूछा गया क्या इक्वलेंट वेट इक्वलेंट वेट जो होता है वो क्या होता है एम डिवाइड बाई एन फैक्टर आपको जो भी है और एन फैक्टर कितना आ रहा है आपके पास दो आ रहा है तो सी टू ओ फोर माइनस टू का मोलिकुलर वेट डिवाइड बाई टू जो होगा वो आपके पास इक्वल वेट के बराबर तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या रहा है वेन बी एज रीडिंग एजेंट इट्स इक्वलेंट वेट आर इक्वल टू हाफ ऑफ इट्स मोलिकुलर वेट तो फर्स्ट वाली बात क्या हो जाएगी सही हो जाएगी ठीक है ऑप्शन नंबर सेकंड देखिए ऑप्शन नंबर सेकंड क्या कह रहे हैं हंड्रेड था एम एल ऑफ वन एन सोल्यूशन ऑफ इच मतलब दोनों का अगर इतना लेते हो इज न्यूट्रल न्यूट्रलाइज बाई थाउजेंट एम एन सी एच कट तो जाहिर सी बात है यहाँ पे नॉर्मलिटी दे रखी है ठीक है ना तो नॉर्मलिटी से आप नंबर ऑफ इक्ट निकाल सकते हो एन इन टू वी ठीक है ना नंबर ऑफ इक्वेंट अगर दोनों के बराबर है न्यूट्रलाइज करने के लिए तो जाहिर सी बात है वो आराम से न्यूट्रलाइज कर लेगा तो यहां पे वन इंटू थाउजेंड ठीक है ना तो नंबर ऑफ इक्वेंट आ जाएंगे तो थाउजेंड आ जाएगा मिली इक्वलेंट और इसमें भी थाउजेंड आएगा तो न्यूट्रलाइज करने के लिए दोनों बराबर आ रहा इसलिए आपके पास ये भी सही हो जाएगा तीसरा देखिए थाउजेंड एम एल ऑफ वन एम सोल्यूशन ठीक है ना अब यहां पे एम आ रहा है ठीक है ना तो ये क्या है नॉर्मल ये नंबर नौ, ऑफ मोल्स ऑप्टेन हो जाएंगे और न्यूट्रलाइज बाई थाउजेंड का होल्ड प्राइस दोनों को अब इसकी अगर नॉर्मेलिटी निकालोगे ना इसका एन फैक्टर जो आएगा जब इसको बैलेंस करोगे कि किसके साथ एक तरह से न्यूट्रलाइज करोगे तो इसमें एन फैक्टर दो आएगा जबकि इसमें

टू इंटू थाउजेंड इंटू वन आएगा तो इसका मतलब दोनों के क्या हो जाएंगे बराबर नहीं हो पाएंगे, तो वाले में बराबर नहीं आ पाएंगे तो इस अब देखो केए फोर द्वारा ट्राइट्रेट किया जब आप के एम एन ओ फोर द्वारा टाइट्रेट करोगे तो ये वाला जो C2O4 2 जो है वो ऑक्सीडाइज होकर जाएगा CO2 में तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ रही बड़ा प्लस थ्री ये प्लस थ्री से किस में गया प्लस में तो एन फैक्टर पे वैसे चेंज कितना आ रहा है एक का एन फैक्टर आपको दो लेना पड़ेगा क्योंकि कार्बन यहां पे कितना आ रहे हैं दो आ रहे तो इन दोनों में एन फैक्टर कितना आएगा दो आएगा जब टाइट्रेट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ करोगे ठीक है ना तो एन फैक्टर इसका दो ले लिया एन फैक्टर दोनों का दो इंटू क्या आएगा थाउजेंड इंटू ठीक है ना ये इसके मिलिकुलेंट आ गए ठीक है ना

आगे आगे क्या कह रहा है यहां पे ये कह रहा है ट्वेंटी एम एल ऑफ जीरो पॉइंट वन एम बेरियम क्लोराइड है इसको रिएक्शन किया क्रोमियम सल्फेट के साथ क्रोमियम सल्फेट ले लेता तो लेते मैं यह क्रोमियम सल्फेट है ठीक है और यहां पे आपके पास बन क्या रहा है बी एस ओ फोर कंप्लीटली इंसॉल्यूबल बी एस ओ फोर पीपीटी फॉर्म यहां पे बन जाएगा और दूसरा पार्ट जो बनेगा सी आर सी आर सी एल थ्री बन जाएगा ठीक है बैलेंस करिए तो बैलेंस करोगे तो यहाँ पे सीआर दो आ रहे है तो यहाँ पे, CR2 आ जाएंगे, चलो, आ रहा है, तो पे जब सॉल्यूशन के अंदर बात करें तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आपने पढ़ी होगी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी चार कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी होती है ठीक है एक तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ठीक है दूसरा जो होता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ठीक है ना तीसरा जो होता है डिप्रेशन इन फिजिंग चौथा होता है ऑस्मोटिक प्रेशर ठीक है तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल के ऊपर डिपेंड करती है ठीक है पहले जो नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल जो थे वो कितने थे तीन भाई अगर मैं देखूं तो यहाँ पे आयंस कितने आएंगे एक तरह से बी ए प्लस टू सी एल माइनस टोटल तीन आयंस इसके बन जाएंगे तीन और तीन तीन से मल्टीप्लाई करोगे टोटल नाइन आएन ठीक है अब यहाँ पे सीआर प्लस थ्री टू टोटल पांच आएन ठीक है अब ये वाले के आयन हम गिनेंगे नहीं क्योंकि ये तो पीपीटी की फॉर्म बैठ जाएगा और यहाँ पे आयन आपके पास कितने बनेंगे सी आर चार और आठ तो पहले नंबर ऑफ आयन क्या थे ज्यादा थे और बाद में आपके पास क्या होंगे कम तो नंबर ऑफ मतलब नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स पहले ज्यादा थे अब नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल क्या हो जाएंगे कम हो जाएंगे तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का अमाउंट आपके पास क्या हो जाएगा कम हो जाएगा ठीक है अब आपको पूछा गया है कि कि बॉइलिंग पॉइंट ठीक तो एक बात बताइए भाई जब नॉन मतलब सॉलिड पार्टिकल डालते हो नॉन सॉलिड पार्टिकल डालते हो तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या होगा कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है एलिवेट हो जाता है अगर नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल बढ़ जाते हैं लेकिन इसके ऑपोजिट नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल यहाँ पे क्या हो रहे कम हो रहे और नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल कम होंगे तो इसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो हो जाएगा जाएगा कम तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या हो जाएगा कम हो जाएगा ठीक तो है ना फिर बाद में बॉइलिंग पॉइंट इज लोवर्ड सही बात है सेकेंड भाई रेज नहीं होगा जबकि क्या हो जाएगा आपके पास लोवर हो जाएगा तीसरा क्या कह रहे हैं फ्रीजिंग पॉइंट डज नॉट चेंज ये वाली बात कर लेते फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो आपके पास चेंज होगा फिर क्या कह रहे हैं फ्रीजिंग पॉइंट इज इंक्रीज देखो क्वालिगेटिव प्रॉपर्टी में एक प्रॉपर्टी होती है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट मतलब नॉन वॉलेटल सॉलिड इसके अंदर आइंस सॉलिड पार्टिकल बढ़ जाते हैं तो इसका मतलब क्या होगा फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाता है अब यहां ये नॉन सॉलिड पार्टिकल कम हो रहे तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा इंक्रीज होगा तो इसका आंसर टू एंड फोर्थ वाला आंसर आ जाएगा ठीक है बेटा नेक्स्ट चलिए आगे क्या कराए यहां पे प्रॉब्लम को थोड़ा ध्यान से इफ द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए एंड बी आर तीन सो एंड आठ सो टॉर रेस्पेक्टली एट ट्वेंटी फाइव डिग्री सेंटीग्रेड ज बी का दे रखा है 92, ना तो आप यहाँ से कंक्लूड यह कर सकते हो एक्स बी की जो वैल्यू आएगी ना वो एक तरह से जीरो पॉइंट नाइन टू के बराबर की वैल्यू जो आप निकालोगे वो वन माइनस जीरो पॉइंट नाइन टू निकालोगे तो ये वाली वैल्यू आएगी जीरो पॉइंट जीरो एट के बराबर की तो यहाँ से मोल फ्रेक्शन ए का एंड मोल फ्रेक्शन बी का आपको ठीक है नगे क्या कर टोटल टोटल वेपर प्रेशर ऑब्जर्व हुआ तो जीरो पॉइंट हुआ ठीक है ना? कितना ऑब्जर्व हुआ? जीरो तो रिगार्डिंग आपको, आपको कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है ये आपको बताना है। तो देखो ये तो ऑब्जर्व है अब पी करोगे तो क्या, होता? P0 साथ में क्या होता है पी नॉट बी एक्स बी ये आपको पता है, वाला, ठीक है? AXA, का नियम के अनुसार पी नॉट ए कितना देर का तीन सो इंटू एक्स ए की वैल्यू जो दे रखी है कितनी की? की है एक्स ए की वैल्यू जीरो पॉइंट जीरो प्लस की वैल्यू कितनी देर की पी नॉड बी की वैल्यू पी नॉड बी की वैल्यू 800 सौ देर की इंटू एक्स बी की वैल्यू कितनी देर की आपके पास जीरो पॉइंट नाइन टू दे रही ठीक है ना आप कैसे भी कैलकुलेट करोगे तो पी जो है ऑब्जर्ड जो आएगा पी ऑब्जर्ड ठीक है ना ये लेस आएगा मतलब ये वाली वैल्यू होगी जीरो पॉइंट नाइन फाइव बहुत कम है जबकि ये वाली वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो ये वाली इससे ज्यादा आएगी तो पी कैलकुलेटेड ज्यादा है ठीक है ना तो पी कैलकुलेटेड ज्यादा है और पी ऑब्जर्व मतलब प्रासिल प्रेशर आपको ज्यादा मिलना

जीरो से ज्यादा नहीं होगा कम होगा जीरो भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा क्योंकि ये तो कैलकुलेट कर ही नहीं सकते ठीक है ना? तो इसमें नॉट ट्रू पूछा तो वन थर्ड एंड फोर्थ वाला नॉट ट्रू आ जाएगा ठीक है आपको क्या कह रहे हैं विच ऑफ रिएक्शन गिव द करेक्ट प्रोडक्ट आपको बताना है कौन कौन सी रिएक्शन जो है करेक्ट प्रोडक्ट देती है है पहला वाला ऑप्शन तो फर्स्ट वाला ऑप्शन में अगर बात करें तो ये वाला हटेगा पहले यहाँ कार्बो कार्बोकटन आएगा तो सी टू एच फाइव ओ एच यहाँ पर भी अटैक कर सकता है ये वाली बात सही है फिर कार्बोकटन बना तो रीअरेंजमेंट भी हो सकता है और रीअरेंजमेंट होगा तो फिर बाद में यहाँ पे भी जुड़ सकता है तो इसका मतलब पहला वाला स्टेटमेंट क्या होगा सही हो जाएगा सेकेंड देखिए ये पोलर प्रोटीक है तो पोलर प्रोटीक तो आई यहाँ से हट जाएगा ठीक है ना और आई यहाँ से हट जाएगा तो इसका मतलब क्या हुआ एक तरह से आप ऐसा कह सकते हो कि यहाँ पे कार्बोकेटन बन जाएगा तो कार्बोकेटन तो न्यूक्लोफाइल यहाँ पे अटैक कर लेगा तो ये वाला बन जाएगा लेकिन तो अगर कोई भी रीअरेंजमेंट पॉसिबल है तो कराना है यहाँ पे रीअरेंजमेंट पॉसिबल होगा क्योंकि यहाँ पे अलग अलग कार्बोकेटन बन जाएगा और फिर बाद में जब रीअरेंजमेंट कराओगे तो यहाँ पे कार्बोकेटन आ जाएगा फिर सी एस थ्री सी एच अटैक कर लेगा तो ये वाला भी पॉसिबल है तो दोनों ही पॉसिबल तो सेकेंड भी पॉसिबल है थर्ड वाले देखो थर्ड वाले में भी सेम है पोलर प्रोटिकार है और ये सेकेंड डिग्री है तो यहाँ पे कार्बो कार्बोकटेन बन जाएगा तो एक बार तो यहाँ पे डायरेक्टली अटैच हो जाएगा देखो जैसे इसमें चोड़ा है और दूसरी बार में कार्बो कार्बोकटेन का जब रीअरेंजमेंट कराओगे ठीक है ना तो कार्बो कार्बोकटेन का जब रीअरेंजमेंट कराओगे तो आपके पास ये वाला एच माइग्रेट होके यहाँ पे आ जाएगा और एच माइग्रेट होके यहाँ पे आ जाएगा तो इसका मतलब क्या हुआ इस जगह पे बाद में जुड़ सकता है तो ये वाला भी आपका सही हो जाएगा लेकिन फोर्थ वाला में देखो यहाँ पे देखो एम ई एच है ना क्या ब्रिज कार्बन पर अटैक कर सकता है कि bridge carbon पे ना तो एस एन वन होती है ना ही SN2 टू होती है लेकिन उन्होंने जबरदस्ती करा रखी है तो यह वाली बात क्या है गलत है तो इसका ऑप्शन जो होगा फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा ठीक है बेटा आगे चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए आपको क्या कराना है the compound द कंपाउंड the गिव product प्रोडक्ट ऑन द with विद dust and heat Zn dust एंड हीट के साथ आपको सिड प्रोडक्ट बनाना है तो मतलब किसमें सिड प्रोडक्ट बनता है ये आपको बताना है तो पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि सबसे पहले तो इसमें आपको क्या कराना है जब डी एलोजिनेशन कराते हो तो ई टू मैकेज फॉलो होता है और ईटू मैकेनिज्म में आपको क्या कराना है एंटी एलिमिनेशन एलिनेशन कर जेड एन ईटर आ जाए और डी एलोजिनेशन कराओ तो टू डस्ट की प्रेजेंस में आपके पास ई टू आपके पास एंटी एलिमिनेशन कराना है पहले देखो ये यो कंपाउंड ये इस टाइप का कंपाउंड दे रखा है फिजर प्रोजेक्ट्स में सी सी एल जब ऑपोजिट में इन दोनों को हटाना सी सी एल जब ऑपोजिट में आ जाए तो आपको यह ध्यान रखना है कि दोनों सी एस सी आमने सामने आ जाएंगे ठीक है ना एंटी एलिमिनेशन में ये शॉर्ट ट्रिक में आपको पता है तो यहाँ पे आपके पास सिस वाला बन जाए दूसरा देखते दूसरा देखते यहाँ पे सी एल ए और सी एल ए इनको ऑपोजिट में लेते देखो एक बार ऑपोजिट में लेते तो इसको रोटेट करूँ तो यहाँ पे सी एल आएगा और इसको यहाँ पे लेके कर आऊँ तो यहाँ पे सी एल अब ये वाला सी एल जब यहाँ पे लेके आओगे आप तो ये वाला एच यहाँ पे आ जाएगा और ये वाला सी एस थ्री यहाँ पे आएगा ठीक है अब ये वाला सी एल को अब आप यहाँ पे लेगा हो तो एच इधर की तरफ चल जाएगा और सी एस थ्री आपके पास इधर अब सी एल सी एल ऑपोजि में आ रहे इसको हटाना है तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगी डबल बॉन्ड बनेगा तो सी एस थ्री सी एस थ्री सेम साइड में आ रहे तो सेम साइड में आ रहे तो इसका मतलब क्या होगा ये वाला सीस वाला होगा तो सेकंड में भी आपको क्या मिलेगा सीस वाला प्रोडक्ट मिल जाएगा इसके अंदर देखिए यहाँ पे सी एल सी एल को हटाना है तो सी एल सी एल को हटाना है तो इसको अपोजिट साइड में लेके आना पड़ेगा ठीक है भाई ऑपोजिट में लेके आने के लिए या तो फर्स्ट वाले को रोटेट करो इसको तो मैं क्या करता हूं यहां पे लेके आता आ और उसको उधर की तरफ लेके चलो।, चलो देखते एक बार आगे वाले को देखिए आगे वाले में कुछ ऐसा बना दे तो यहाँ पे तो सीएल देखो ये वाला ये वाला एच जो है ये घूम के यहां पे आ जाएगा और ये वाला सीएस यहाँ आएगा नीचे वाले को अगर रोटेट कर तो इधर तो यहां पे तो क्या आएगा सीएल आएगा देखो ये वाला जो है पीछे वाला सीएल यहाँ पे आएगा और है इस जगह पे आएगा और एच इस जगह पे आएगा पेगा सीएलसीएल को हटाओगी तो बीच में उनके बीच में डबल बॉन्ड बनेगा और डबल बॉन्ड बनेगा तब आपके पास सी एस थ्री सी एस थ्री एक साइड में रहेंगे तो एक साइड में रहेंगे तो इसका मतलब यहाँ पे भी क्या बन जाएगा सिस वाला प्रोडक्ट बन जाएगा फोर्थ वाले की बात करते हैं तो फोर्थ वाले में देखो ये वाली कौन सी फॉर्म स्टेगर्ड फॉर्म है और स्टेगर्ड फॉर्म में देखो सी एल सी एल ऑपोजिट में आ रहा है तो सी एल सी एल ऑपोजिट में आ रहा है जरा ध्यान से देखिए भाई यहाँ पे सीएलसीएल ऑपोजिट में पहले से ऑलरेडी दे रखा है तो आप डायरेक्ट हटा दोगे और डायरेक्ट हटाओगे यहां पर सीएस थ्री और सीएस थ्री ऑपोजिट में आएगा ऑपोजिट माने का मतलब क्या होगा ट्रांस वाला बन जाएगा तो हमको ट्रांस वाला नहीं चाहिए केवल और केवल सिस वाला चाहिए तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड में सीस वाला प्रोडक्ट बन जाएगा ठीक है बेटा नेक्स्ट चलिए सेवंथ क्या कह रहा है एस एन वन का ऑर्डर बताने एस एन वन के अंदर ध्यान दे बड़ा कार्बोकटन की स्टेबिलिटी देखते हैं किसकी देखते हैं कार्बोकटन तो यहाँ पे देखो ये वाला कार्बोकटन इस जगह पे बनेगा सुने भाई पहले की बात करू तो यहां पर कार्बोकेटन यहाँ पे बनेगा जबकि इसमें कार्बोकटन बनेगा ये वाला रेजोनियस में आएगा ये वाला रेजिनेस में नहीं आएगा तो इसका मतलब फर्स्ट की रिएक्टिविटी क्या है सही सेकेंड के केस में देखो यहाँ पे कार्बोकटन बनेगा और यहाँ पे कार्बो ये वाला रेजनेस में आएगा लेकिन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड पे पॉजिटिव चार्ज है ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज वेरी वेरी अनस्टेबल जबकि यहाँ पे आपके पास खुशी खुशी रेजनेस में आएगा तो सेकंड वाला क्या होगा सही होगा ध्यान दे वापिस मैं बता देता हूँ यहाँ पे ये वाला कार्बोकाइड्रेन वेरी अनस्टेबल होता है भाई क्यों क्योंकि अगर आप रेजनोटिक स्ट्रक्चर बनाओगे तो ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज आएगा और ध्यान दे ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड हो ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड हो, हो पॉजिटिव चार्ज हो तो इसका ऑक्टेट वैसे ही कंप्लीट नहीं होता और दूसरी बात मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट भी चार्ज वेरी अनस्टेबल होता है अगर ऑक्टेट कंप्लीट होता तो फिर भी कुछ अमाउंट में हम स्टेबल कर लेते लेकिन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड है ऑक्सीजन जब भी तीन बॉन्ड हो और उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो तो ऑक्टेट कंप्लीट होता है अदरवाइज ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा हो। वो वाला केस आपके पास ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आए वेरी वेरी अनस्टेबल होगा तो इसमें इस ये वाला कार्बोकन ज्यादा स्टेबल होगा ठीक है थर्ड वाला देखिए इसके अंदर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज लेता हूं यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज लेता हूं ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग के रूप में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग वाला ज़्यादा स्टेबल होगा इस वजह से इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग वाला ज़्यादा स्टेबल होगा इस वजह से रिएक्टिविटी सेकंड की ज़्यादा होगी लेकिन इन्होंने किसकी बता रखी है फर्स्ट की ज़्यादा बता रही, है? रही है। और अगर फर्स्ट की ज़्यादा बराबरी ये वाली बात गलत है ठीक है आगे चलिए इसके अंदर देखते हैं यहाँ पर कार्बोक्रटेन और इस जगह पर कार्बोक्रोटेन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्लस एम होता है और जबकि यहाँ पे क्या था माइनस आई गर्दन क्या होगा प्लस एम होगा ठीक है ना जबकि यहाँ पे प्लस एम गर्दन माइनस आई होगा तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा और इलेक्ट्रॉन देगा तो पॉजिटिव चार्ज क्या कर स्टेबल कर लेगा इसका मतलब फर्स्ट का कार्बोडेट ज्यादा स्टेबल होगा सेकंड के मुकाबले में इसका मतलब फोर्थ वाला स्टेटमेंट एस रिएक्शन के प्रति क्या होगा सही हो जाए तो इसका ऑप्शन आएगा फर्स्ट सेकेंड एंड फोर्थ आंसर आ जाएगा ठीक है भाई नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट देखिए बड़ा आपको बताना है ये वाला से ये वाला बताना है इस सिंथेसिस में किस में क्या क्या बनेगा इसके बारे में देख लेते ठीक है बी आर टू एच नायरेक्ट हिटअप लेता हूं तो देखो ब्रोमिनेशन कराते तो ब्रोमिनेशन की टेंडेंसी थ्री डिग्री के पास जाने की ज्यादा रहती है तो थ्री डिग्री के पास ज्यादा ज़्यादा होने की टेंडेंसी रहती तो बी आर यहां पर जुड़ जाएगा तो हमको ये वाला चाहिए तो फर्स्ट वाला ऑप्शन नहीं हो सकता सेकंड देखिए सेकंड में पहले बी आर टू एच नु हिटअप लिया कोई दिक्कत वाली बात नहीं तो बी आर टू एच नीटअप लिया तो ये वाला बन जाएगा कोई दिक्कत नहीं ठीक है आगे हमने क्या कराया एलिमिनेशन कराया ठीक है ना ये वाला ले लिया तो इसमें आपके पास क्या होगा सी टू एच फाइव एन थ्री डिग्री केस में एलिमिनेशन होता है तो एलिमिनेशन में ई टू मैकेट फॉलो होगा तो यहाँ पे आप पास क्या आएगा डबल बॉन्ड फिर बाद में एनबीएस के साथ रिएक्शन किया जरा ध्यान देना एन बी एस एच न्यू ये क्या करता है अलाइलिक सब कराता है तो अलाइल पोर्शन है तो डबल बॉन्ड की अलाइल पोर्शन देखो ये वाली है तो यहाँ पे बी आर आ जाएगा ठीक है और उसके बाद में इन्होंने क्या किया बी टू एच सिक्स इन्होंने इसके बाद में हाइड्रोबोरेशन रिडक्शन कराया ध्यान रखना आगे ऑक्सीडेशन नहीं है सी एस में रिडक्शन होता है तो डबल बॉन्ड को तोड़ते हुए दोनों जगह एच जुड़ जाएगा तो डबल बॉन्ड को तोड़ते हुए दोनों जगह एच जुड़ जाएगा इधर भी और इधर भी तो इसका मतलब थर्ड वाली बात क्या हो जाएगी सेकंड वाली बात क्या हो जाएगी सही हो जाएगी बात करते हैं थर्ड की बी आर टू एच एन देखिए बी आर टू एचन यू हिट लेते तो, तो ये वाला बन जाएगा ठीक है ना आगे चलते ये वाला लेता हूँ मैं ठीक है ना ये वाले में जरा ध्यान दीजिए ये बल्कि बेस है और बल्कि बेस में आपके पास ध्यान रखें

नहीं हो पाएगा तो इसका आंसर जो होगा बड़ा कौन सा आएगा सेकेंड एंड थर्ड वाला आंसर आ जाएगा ठीक है नेक्स्ट चलिए यस yes. यहां पे क्या कह रहे हैं इसके बारे में स्टेटमेंट सही अब मैं इस रिएक्शन के बारे में बता देता हूं देखिए यहां पे आपके पास ये वाला है यहां पे बी आर है ठीक है सबसे पहले देखो यहां पे मैं अगर सी लेता हूं एन ये न्यूक्लियोफाइल है अब न्यूक्लियोफाइल दो जगह पे अटैक कर सकता है कहां, कहां पे, तो पे डायरेक्ट अटैक कर ले और एक इस रिंग पे कर ले तो ज्यादा पॉसिबिलिटी रिंग की ज्यादा होगी तो पहले थ्री रिंग की स्टेबिलिटी कम होती है आराम से टूट जाएगी तो यहां से बेटा क्या बन जाएगा यहां पे तो ओ सी एस आया ठीक है वापिस बता दे तो मैं देखिए ये वाला अपने पास दे रखा है ठीक है ये स्टार वाला यहाँ पे बी आर अब देखो अगर मैं O के साथ एक यहां पे अटैक करेगा ये वाला बॉन्ड इधर जाएगा तो यहां से आपके पास क्या बनेगा ओ सी एस थ्री आ गया यहाँ पे ओ माइनस आ जाएगा ठीक है भाई और यहां पे स्टार वाला है ये यह। और यहां पे बी आर अब ओ माइनस यहाँ पे अटैक करके इसको हटा देगा ठीक है तो ओ माइनस यहां पे अटैक करके इसको हटा देगा तो यहां पे आपके पास स्टार और यहाँ पे ओ सी एस थ्री ओ सी एस थ्री यहां पे यथावत यह बना रहेगा मतलब ये वाला प्रोडक्ट बन जाएगा अब इस प्रोडक्ट में कार्बो एन इंटरमीडिएट बनता है देखो जब ये वाला अटैक करेगा ना तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा कार्बन पे नेगेटिव चार्ज नहीं आएगा अगर कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आता तब आप कहते हैं कार्बन एन इंटरमीडिएट बन रहा है यहाँ पे एनआईन तो इंटरमीडिएट बन रहा है लेकिन कार्बन एन वहाँ पर इंटरमीडिएट की फॉर्म में नहीं बन रहा ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है तो फर्स्ट वाला गलत है रीअरेंजमेंट ड्यू टू एस एन वन रिएक्शन यहाँ पे कोई एस एन वन रिएक्शन के बारे में हमने जिक्र किया ही नहीं नहीं होगा इट इज कंसर्टेड एस एन टू जब बैक साइड से अटैक करते हैं एस एन टू मैके फॉलो होते बात सही और इट इन्वॉल्व एन जी पी कि नेबरिंग ग्रुप तो जाहिर सी बात है ये जब अटैक करेगा तो ये वापिस बैक साइड से वापिस दूसरे पे अटैक कर लेगा ठीक है ना तो ये वाला लॉन पेयर जो है ये वाला जो लॉन पेयर है इसके अंदर इन्वॉल्व हो रहा है ठीक है ना तो इसके अंदर इन्वॉल्व हो रहा है तो ये एनजीपी का केस है तो एनजीपी का केस है तो इसका मतलब फोर्थ वाली बात क्या हो जाएगी सही हो जाएगी तो इसका आंसर थर्ड एंड फोर्थ आ जाएगा ठीक है भाई नेक्स्ट चलते हैं अगला प्रॉब्लम अब यहां पे देखो लिथेम एल्युमिनियम हाइड्राइट सुनना एच माइनस न्यूक्लियोफाइल फाइल डबल बॉन्ड पे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट जो है डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करता है ठीक है ना केवल और केवल मतलब पहले एच प्लस दे दिया एच प्लस दे दिया तो जाहिर सी बात है यहाँ पे क्या ओ एच OH, और यहाँ पे डबल बॉन्ड फिर बाद में एच टू एसिडिक मीडियम में अब यहाँ पे डबल बॉन्ड पे रिएक्शन हो जाएगी और डबल बॉन्ड पे रिएक्शन हो जाएगी तो या तो आपके पास क्या होगा देखो ये वाला प्रोडक्ट बन जाएगा सॉरी इधर ओर जोड़ दीजिए डबल बॉन्ड को हटा दीजिए ठीक है डबल बॉन्ड नहीं या फिर आपके पास ये वाला प्रोडक्ट बन जाएगा ठीक है ना हाइड्रेशन करा दिया डबल बॉन्ड का अल्किन का ठीक है तो ए क्या है ए ये हो सकता है क्या नहीं हो सकता क्योंकि डबल बॉन्ड पर रिएक्शन नहीं होगी ए इसके बारे में ए ये हो सकता है यस क्योंकि हमने ये वाली रिएक्शन कराई यहीं पर ठीक है ना ए होगा बी जो है ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है सही बात है मैंने बताया ना बी मेजर तो पूछे नहीं ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है तो इसका आंसर जो आएगा बेटा सेकंड थर्ड एंड फोर्थ वाला आंसर आ जाएगा ठीक है भाई चलो नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रॉब्लम एस एन टू के प्रति अभिक्रियाशीलता का क्रम देखिए एस एन टू में जरा ध्यान दीजिए एस एन टू की जब रिएक्टिविटी की बात करते हैं ना तो हम जनरली एक ऑर्डर बताते हैं आपको याद होना चाहिए कि आर सी एस टू सी डबल बॉन्ड ओ सी एस टू एक्स की रिएक्टिविटी जो होती है ना वो अलाइल पोर्सन से क्या होती है ज्यादा होती है ठीक है ना और फिर बाद में जो भी अपन वन डिग्री टू डिग्री थ्री डिग्री लेते हैं वो आपको पता ही ठीक है, ठीक है? चलो अब देखो ये वाला जो है अलैलिक पोषण वाला है जबकि ये वाला अलग केस अगर ये वाला ऐसे होता ना डायरेक्ट तब इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होती ठीक है ना तो यहां पे ये ऐसा नहीं है सी दूर है तो इसकी ऑर्डर सही है क्योंकि अलैलिक पोषण वाला ये नॉर्मल वन डिग्री का केस कहां करो जबकि इसमें अगर देखा जाए ना इन दोनों के अंदर तो इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा आएगी हमने बताया था कि भाई आर सी ओ सी डबल बोडो सी एस टू एक्स की रिएक्टिविटी ज्यादा होती है अलाइलिक से तो ये सेकंड वाली बात क्या हो जाएगी गलत हो जाएगी थर्ड वाला अच्छा आपको मालूम होना चाहिए इलेक्ट्रॉन विड्रोविंग ग्रुप जो है वो क्या करता है एस एन टू की रेट को बढ़ाता है तो थर्ड वाली बात क्या है सही है और फोर्थ वाली बात आपके पास क्या हो जाएगी गलत हो जाएगी क्यों क्योंकि पे जो है ना थ्री मेंबरिंग की स्टेबिलिटी बहुत कम होगी तो जब एस एन टू मैकेजम फॉलो होगा तो इसके अंदर जो ट्रांसन स्टेट बनेगी वेरी अनस्टेबल बनेगी और अनस्टेबल बनने की वजह से इसकी रिएक्टिविटी क्या होगी इसके मुकाबले में कम होगी यहाँ पे स्टेडिक इंटरस का फैक्टर नहीं दे पाएंगे ट्रांस स्टेट की स्टेबिलिटी तो इसलिए आंसर इसका वन एंड थर्ड वाला आंसर आ जाएगा ठीक है भाई चलो नेक्स्ट देखिए चलो आइडेंटिफाई रिएक्शन दैट करेक्टली मैच विद देयर प्रोडक्ट आपको बताना है कि किसके साथ मैच कर रहा है ठीक है ना अच्छा मैं यहाँ पे एल्कोलिक क्यूएच हीटअप लेता हूँ तो देखो फ्लोरो है तो जब भी आपके पास अच्छा इलेक्ट्रॉन विद्रॉविंग ग्रुप हो फ्लोरिन आ जाए एनआर थ्री पॉजिटिव आ जाए एस आर टू पॉजिटिव आ जाए जब ये लिविंग ग्रुप हो इलेक्ट्रॉन विद्रोविंग ग्रुप अच्छे हो और लिविंग ग्रुप हो और ई टू मैकेम फॉलो कराते तब हॉपमन अल्किन मेजर प्रोडक्ट बनता है तो अब सेट जब नहीं बनता इसमें तो इसमें ओपमन एल्किल बन जाएगा तो फर्स्ट वाली बात क्या है सही सेकंड वाली अब यहाँ पे एल्कोहलिक क्यूएच अब यहाँ पे पॉसिबिलिटी अलग अलग है ये वाला क्या है इपोक्साइड है ध्यान सुनना ये वाला क्या इपोक्साइड है ठीक है इसको देखो इपोक्साइड दे। अब एल्कोहलिक क्यूएच क्या करता है बेस की तरफ भी बीओ कर सकता है बेस की तरफ बी करता है तो पहले तो ओच माइनस में डायरेक्ट भी अटैक कर सकता है लेकिन बेस है तो एसिडिक हाइड्रोजन ज्यादा लेगा तो सी डबल बॉन्ड सी एच ओ जो है वो इलेक्ट्रॉन विद्रोविंग ग्रुप है इलेक्ट्रॉन विद्रोविंग ग्रुप होगा तो ये वाला अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक होगा और एसिडिक होगा तो एल्कोलिक एच क्या करेगी इसके एच प्लस को लेगा एच प्लस को लेगा तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज और साइड में रिंग आ रही है तो ये वाला बॉन्ड इधर ये वाला यहाँ से जाएगा. तो, तो, तो सेकंडी बात भी क्या हो जाएगी सही हो जाएगी थर्ड वाली बात करिए एल्कोलिक तो एल्कोलिक वाला लेते हो एनआर थ्री पॉजिटिव मतलब यहाँ पे भी एनआर थी पॉजिटिव कार्डनरी अमोनियम सोल्ट को बेस के साथ ही करते हो तो मेजर बनता है अब देखो ये अल्फा पोशन ये बीटा पोशन है इसमें बीटा पोषण है ही नहीं इसमें अल्फा बीटा और यहाँ पे भी बीटा ठीक है ना तो हाइड्रोजन कहाँ से लेता है जो सबसे लिस्ट सब्सिट्यूट होता है बीटा पोषण से हाइड्रोजन लेता है एल्कोलिक एच अब बीटा आपके पास ये वाली आ रही है और ये वाली आ रही है ये वाली आ रही ठीक है तो सबसे लिस्ट पोषण सब्सिट्यूट कौन सा है ये वाला तो यहाँ से एच लेता है ताकि लिस्ट स्टेबल एल्किन बन ये वाला एच और ये वाला लिविंग ग्रुप में यहाँ से हट जाता है तो डबल बॉन्ड इस जगह पे आ जाएगा और ये वाला पूरा लिविंग ग्रुप में अट गया तो ये वाली बात सही है ठीक है ना फोर्थ वाला देखिये ईटीओएच के साथ रिएक्शन कराता हूँ ट्यू तो SN1 की पॉसिबिलिटी क्या है ज्यादा है ठीक है ना और यहाँ पे भी O है और जस्ट बाजू में तो ध्यान रखें जब भी आपके पास आर सी एच टू ओ या फिर मैं ऐसे लिख लेता हूँ आर ओ सी एच टू एक्स आता है मतलब जस्ट बाजू में O आता है ठीक है न तब ये वाला कार्बोकट्रेन एस वन में बहुत ज्यादा स्टेबल हो जाता है और बहुत ज्यादा स्टेबल होगा तो इसकी रिएक्टिविटी जो है बहुत ज्यादा होगी इन दोनों के मुकाबले तो प्रोसीड जो करेगा वो केवल और केवल कहां पे करेगा इस जगह पे ही प्रोसीड करेगा रिएक्शन और इसमें आपके पास जो बन सकता है वो ये भी बन सकता है और ये भी बन सकता है यहां पे आपके पास कोई रिएक्शन अक्र नहीं होगी एस में तो फोर्थ वाली बात भी क्या हो जाएगी सही हो जाएगी तो इसका आंसर फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ चार आ जाएगी ठीक है भाई नेक्स्ट देखिए अगेन रेडॉक्स का प्रॉब्लम में थोड़ा सा ध्यान से देखिए आप ठीक है ना यहां पे क्या अगर ऑक्साइड ऑफ एन एलिमेंट

तो जैसा ऑप्शन दे रहे के इसमें एन की वैल्यू निकालना इंपेरिकल फॉर्मूला निकालना जो भी है वो इसको हम एक बार चेक कर लेते ठीक है तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं एन की वैल्यू निकालते थे ठीक है किसकी वैल्यू निकालते हैं एन की वैल्यू तो जब भी रेडॉक्स होता है ट्राइटसन तो इसमें आपको पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ इक्वलेंट्स आपके पास क्या होना चाहिए बराबर होने चाहिए ठीक है तो एक साइड में ध्यान दीजिए कि यहाँ पे मैं कह ले तो ए टू ओ एन लेता हूँ ठीक है न ध्यान सुनना और इस तरफ मैंने के लिए एम एन फोर माइनस लिया दोनों के इक्वलेंट बराबर होने चाहिए ठीक है ना ये वाला जो जा रहा है ऑक्सीडाइज होकर किस में आ रहा है ए थ्री माइनस वन में आ रहा है जबकि ये वाला जो है ऑक्सीडाइज होकर आपके पास एम एन प्लस टू में जा रहा है एसिडिक मीडियम एम एन प्लस टू में जाएगा ठीक है अब देखो नॉर्मली देखे ए थ्री माइनस में ऑक्सीड स्टेट कितनी आ रही प्लस फाइव और इसके अंदर देखोगे तो प्लस एन के बराबर आई तो इसका एन फैक्टर निकालते इस रिएक्शन का अगर एन फैक्टर निकालू मैं तो जरा ध्यान दे ए टू एन के एन फैक्टर तो प्लस एन से प्लस फाइव में जा रहा है ऑक्सीडाइज हुआ तो इसका मतलब चेंज कितना आया फाइव माइनस एन का है ठीक है ना लेकिन एटम कितने आ रहे हैं एक ये दो आ रहे हैं तो दो एटम आ रहे हैं तो एन को दो से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो एन फैक्टर जो आएगा टू इंटू फाइव माइनस एन के बराबर आएगा जबकि इस रिएक्शन का एन फैक्टर जो होगा बेटा वो कितना होगा पांच के बराबर होगा ठीक है ना एन फैक्टर पांच के बराबर होगा पांच के बराबर क्यों, क्यों? क्योंकि प्लस सेवन से ये वाला जो है प्लस सेवन से एसिडिक मीडियम प्लस टू में जाता है तो प्लस सेवन से प्लस टू में जा रहा है तो इसका एन फैक्टर फाइव के बराबर ठीक है जबकि इसका टू से मल्टीप्लाई इसलिए क्यों क्योंकि यहाँ पे एटम्स कितने आ रहे हैं दो आ रहे हैं ठीक है ना तो टू से मल्टीप्लाई आपको करना पड़ेगा अब प्रॉब्लम क्या कह रहा है यहाँ पे आपके पास इसका कितना वन पॉइंट फाइव इंटू टेन की पावर माइनस थ्री मोल दे रखा है ठीक है ना ध्यान से देखिए वापिस लिख तो वन पॉइंट फाइव इंटू टेन रेज की पावर थ्री मोल दे रखे इसके ठीक है ना इसके मोल दे रखे ठीक है ना जबकि इसके बारे में के एम फोर के बारे में क्या दे रखा है के एम फोर के बारे में बेसिकली ये दे रखा है कि आपके पास थर्टी सिक्स एम एल जीरो पॉइंट जीरो फाइव

तो चेंज तीन का एक लेकिन एटम कितने आ रहे हैं सी आर के दो आ रहे तो एन फैक्टर इसका सिक्स आएगा सिक्स इंटू जीरो पॉइंट फाइव तो इसके नंबर ऑफ इक्वेमेंट जो होंगे वो तीन के बराबर आएंगे अब इसके इक्विलेंट देखते ए टू एन है तो ए टू ओ टू है इसके ऑप्शन प्लस वन है ठीक है ना आप निकालोगे प्लस वन लेकिन एन फैक्टर इसका दो आएगा क्यों आएगा भाई दो जाहिर सी बात है आपके पास देखोगे ना दो इसलिए आएगा क्योंकि ए टू ओ टू है तो ए टू अगर ओ टू है तो यहाँ पे ओ माइनस टू के अंदर है तो यहाँ पे आप पास एन की वैल्यू निकालोगे देख लेते हैं Uh, एक्स तो प्लस कितनी आएगी तो, तो प्लस दो ऑक्सीजन स्टेट आ रही और प्लस दो आ रही तो एन फैक्टर इसका चार आ जाएगा चार क्यों भाई क्योंकि दो एटम स्टेट प्लस दो आ रही अब देखो ए टू ओ टू ध्यान सुने किस में जा रहे थ्री माइनस में जा रहे ऑक्सीजन स्टेट कितनी आ रही प्लस दो प्लस दो से किसमें गया प्लस चार्लस पांच में चेंज कितने का आएगा बताइए तीन का लेकिन ए कितने दो है तो एन फैक्टर ऑल ओवर कितना आएगा छह आ जाएगा एन फैक्टर कितना आएगा छ के बराबर ठीक है अब इसको मल्टीप्लाई करो तो सिक्स एन फैक्टर सिक्स इंटू जीरो पॉइंट फाइव सिक्स इंटू जीरो पॉइंट फाइव वैल्यू जो आती है वो तीन के बराबर तो इसके नंबर ऑफ इक्वलेंट और इसके नंबर ऑफ इक्वलेंट क्या रहे बराबर आ रहे तो बराबर आ रहे इसका मतलब थर्ड वाली बात क्या हो जाएगी सही हो जाएगी फोर्थ क्या कह रहा है एलिमेंट ए शुड बिलोंग टू ग्रुप सेकंड इन प्रेडिक्टेबल तो देखो ए टू ओ टू ग्रुप सेकंड कभी रहता है कि ए टू जैसे इसलिए ग्रुप सेकंड से बिलोंग नहीं होगा तो फोर्थ वाली बात क्या हो जाएगी गलत हो जाएगी तो इसका आंसर जो है फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड वाला आंसर आ जाएगा ठीक है नेक्स्ट देखते हैं आगे चलते अपने पास जो प्रॉब्लम दे रखी है वो बेसिकली ये

एन वन डिवाइड बाई एन टू या फिर आप ऐसा कह सकते हो एन ए डिवाइड बाई एन बी वो जो होता है 1 4 के अंदर होता। ठीक है ना वन बाई फोर रेशियो फाइंड सिंपलेस्ट नंबर रेशियो आपको बताना मोल फ्रैक्शन ए का एंड बी का सिंपलेस्ट रेशियो बताना है ठीक है चलो सबसे पहले ये ग्राम स्ल ऑफ डिफ्यूजन का केस है ग्राम स्लॉफ डिफ्यूजन जो होता है आपको पता ही रेट जो होती है पी ए डिवाइड बाई रूट टी एम ठीक है ना पी ए डिवाइड बाई रूट टी एम ठीक है ना

रेट ऑफ ए डिवाइड बाई रेट ऑफ बी ठीक है ना इसकी वैल्यू जो है वो किसके बराबर आ सकती है मैं ऐसे लिख सकता हूं एन ए डिवाइड बाई एन बी ठीक है अंडर रूट एम बी डिवाइड बाई एम बी एम ए के बराबर लिखा जा सकता है ठीक है अब रेट जो है आर ए अपॉन आर बी जो है इनिशियली अपने पास कितनी देर रही है वन बाई फोर के बराबर दे रही ठीक है ना एन ए डिवाइड बी तो वन बाई फोर इज इक्वल टू आपके पास कितना है एन ए डिवाइड बाई एन बी ठीक है एन ए डिवाइड बाई एन बी को क्या लिख तो, W a ए डिवाइड बाई डब्लू बी एन टू एम बी डिवाइड बाई एम ए ना ऐसा लिखा जा सकता है और यहां से क्या आएगा अंडर रूट में अंडर रूट में आएगा एम बी डिवाइड बाई एम ए के बराबर आ जाएगा ठीक है ये वाली वैल्यू अपने पास कितनी देर के टू बाई बाई वन तो वन डिवाइड बाई फोर इज इक्वल टू टू वन इन टू इसको अगर पूरे को लिखोगे ना तो यहां से एम बी डिवाइड बाई एम ए जो आएगा की पावर थ्री बाई टू आ जाएगा ठीक है इसको इधर लेके आओ तो वन बाई एट हो जाएगा तो यहाँ से क्या आएगा एम बी डिवाइड बाई एम एम बी डिड बाई एम ए की वैल्यू अपॉन थ्री बाई टू ठीक है अब इसको करोगे तो यहां से थ्री बाई टू है ना तो थ्री बाई टू सॉरी ये थ्री बाई टू यहाँ पे आपके पास क्या आएगा एक तरह से वन बाई फोर था डब्लू ए डिवाइड बाई टू डिवाइड बाई वन हमने रेख लिया था तो इधर के जाएगा तो वन बाई ये वन है ठीक है ना और ये अपने पास क्या होगा वन बाई टू वन प्लस वन बाई टू तो कितना होगा थ्री बाई टू के बराबर होगा ठीक है ना अब देखो थ्री बाई टू के बराबर होगा ठीक है ना तो यहाँ से एम बी डिवाइड बाई एम ए जो आएगा वो कितना आएगा वन बाई एट की पावर टू बाई थ्री आ जाएगा और टू बाई थ्री का मतलब वन बाई वन बाई एट तो इसका मतलब क्या होगा ये वन बाई टू हो जाएगा और टू स्क्वायर तो वन बाई फोर तो यहाँ से कैलकुलेट करोगे तो एम बी डिवाइड बाई एम ए की वैल्यू जो आएगी वो वन बाई फोर के बराबर आ जाएगी ठीक है बेटा

वन बाई फोर के बराबर है तो ये वाली वैल्यू जो आएगी वन बाई टू आएगी तो मोल फ्रैक्शन का रेशियो जो है वन बाई टू के बराबर आए अब ऑप्शन में क्या कह रहा है ऑप्शन ये कह रहा है जरा ध्यान दीजिए कि यहाँ पे आपके पास रेशियो जो आया ए बाई बी जो रेशियो आया वो अपने पास वन बाई टू आया लेकिन इंटू सिक्स से मल्टीप्लाई करना है तो सिक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू इसकी कितनी आएगी थ्री आएगी इसलिए इसका आंसर जो आएगा बेटा कितना आएगा थ्री के बराबर आ जाएगा ठीक है इस तरीके से आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर लोगे ठीक है बेटा नेक्स्ट अगला प्रॉब्लम क्या कह रहा है देखिए यहां पे कोई रेडॉक्स दे रखा है ठीक है ना इस रेडॉक्स में आपको एक्स बाई जेड की वैल्यू निकालनी एक्स एन ओ थ्री माइनस का कॉपिशेंट और जेड एच टू का कॉपिशेंट है आपको एक्स बाई जेड की वैल्यू निकालनी तो पहले आप क्या करोगे इसको बैलेंस करोगे तो देखो बैलेंस करना मैं बता देता हूँ किस तरीके से करते हैं एन थ्री माइनस है प्लस यहां पे लेता हूँ ए एस टू एस थ्री ठीक है प्लस यहाँ पे ले, ले लिया मैंने एच टू ठीक है ना पहले एस टू को बाद में लिख लेते हैं ठीक है ना वापिस ले लेता हूं एन थ्री माइनस है ठीक है प्लस ए एस टू एस थ्री जो रेडॉक्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो ले रहे हैं और ये वाला अपन को क्या देगा अपने पास देगा ए एस ओ फोर माइनस थ्री प्लस साथ में हमको क्या देगा एन देगा ठीक है अब देखिए सबसे पहले एनओ थ्री माइनस है प्लस फाइव से किस में जा रहा है प्लस टू में जा रहा है तो इसका एन फैक्टर कितना आएगा तीन आ जाएगा इसका फैक्टर तीन आएगा अब यहां पे ई एस कितना है प्लस थ्री में एस प्लस थ्री में अच्छा एक साथ में एसओ फोर माइनस टू भी है ठीक है ना यहां पे भी ले लेता हूं मैं तो ये प्लस थ्री से किस में जा रहा है प्लस में जा रहा है तो प्लस थ्री से प्लस पांच में गया तो चेंज कितने का आया देखिए चेंज आया दो का चेंज कितने आया दो का लेकिन ए एस कितने आ रहे दो आ रहे हैं तो दो आ रहे तो दो के रेस्पेक्ट में चेंज कितना आएगा चार का चेंज आएगा कितना आएगा बड़ा चार का आगे देखते हैं यहां पे एस माइनस टू है माइनस टू से सल्फर किस में जा रहा है प्लस सिक्स में जा रहा है तो चेंज कितना प्लस माइनस टू से प्लस सिक्स में चेंज आठ का आएगा लेकिन सल्फर कितने है तीन है तो 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 कितना होगा चौबीस तो चेंज आएगा ये तो ये वाला ये भी ऑक्सीडाइज हो रहा है और ये भी ऑक्सीडाइज हो रहा है जबकि ये वाला क्या हो रहा है रिड्यूज हो रहा है तो रिड्यूज वाले में एन फैक्टर कितना आ रहा है तीन का है जबकि ऑक्सीडाइज वाले में चार प्लस चौबीस कितना होगा अट्ठाइस का चेंज आ रहा है अब ध्यान सुना चार प्लस चौबीस कितना अट्ठाइस का चेंज तो देखो इसमें तो आपके पास तीन का चेंज आ रहा है और इसमें आपके पास अट्ठाईस का चेंज आ रहा है ठीक है ना तो इसको मैं वापिस लिख लेता हूं एक बार देखिए वापिस एनओ थ्री माइनस है यहां पे आपके पास क्या दे रहा है ये आपको ए एस ओ फोर माइनस थ्री दे रहा है प्लस साथ में एन दे रहा है प्लस साथ में एस ओ फोर माइनस टू दे रहा है अब देखो इसमें चेंज कितने का आएगा तीन का चेंज आया इसमें अट्ठाइस का चेंज आया तो इसके आगे हम अट्ठाईस लिख लेते और इसके आगे तीन लिख लेते आपको पता है वो शॉर्ट ट्रिक आपस में एक्सचेंज कर लेते ठीक है ना ऑक्सीडेशन नंबर वाला मेथड अब देखिए यहाँ पे एन अट्ठाईस है तो यहाँ पे भी एन कितना होने चाहिए अट्ठाइस होने चाहिए ठीक है हमने ले लिया अब देखिए यहाँ पे ए एस कितना 6 आ रहा है छः आ रहा है और यहाँ पे एक आ रहा है तो उसको सिक्स से मल्टीप्लाई कर लेंगे ठीक है ना यहाँ पे एस कितना 9 आ रहा है नाइन आ रहा है भाई ठीक है ना तो यहां पे भी नाइन लेना पड़ेगा तो यहां पे नाइन ले लिया ठीक है चलो अब बात करते हैं हम ऑक्सीजन की ठीक है ना ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम क्या जोड़ते हैं एच टू ऑक्सीजन देखते हैं इधर ऑक्सीजन अट्ठाइस इंटू तीन कितना होगा अट्ठाइस इंटू तीन ट्वेंटी एट इंटू थ्री एटी फोर ऑक्सीजन है इस साइड में एटी फोर ऑक्सीजन है इस साइड में ऑक्सीजन कितने है? ये चेक करते तो छः चौबीस तो ये हो गए अपने पास ठीक है ना और अट्ठाईस ये हो गए अपने पास और नौ चौक छत्तीस ये छत्तीस ये वाले होंगे जोड़ दीजिए 12 और 88 आपके पास क्या आएंगे इधर ऑक्सीजन तो इधर ऑक्सीजन 88 है इधर 84 है तो इधर की तरफ आपको चार एच जोड़ना पड़ेगा ताकि चार ऑक्सीजन एक्स्ट्रा मिल जाए तो यहाँ से आपके पास चार एच और एच प्लस कितना रहा है अट्ठारह आठ तो आठ एक्स्ट्रा है तो यहाँ पे क्या जोड़ दोगे एट एच प्लस जोड़ दोगे ठीक है ना हमको क्या निकालना है एक्स क्या है एक्स हमारे पास ट्वेंटी एट आ गया और जेड क्या अपने पास कितना आ रहा है चार तो ट्वेंटी एट डिवाइड बाई फोर बराबर कितना आएगा सेवन के बराबर ठीक है तो इसका आंसर जो होगा बेटा क्या आएगा सेवन के बराबर आंसर आ जाएगा ठीक है इस तरीके से आप बैलेंस कर लोगे ठीक है चलो नेक्स्ट चलिए अगला प्रॉब्लम हाउ मेनी स्टीरियो आइसोमर कैन बी ऑप्टेन बाई डबल बॉन्ड दोनों डबल बॉन्ड को आप क्या कर रहे हो रिड्यूस कर करो तो दोनों डबल बॉन्ड को रिड्यूस करके आपके पास प्रोडक्ट क्या बनेगा त्रिविम समावी कितने बनेंगे तो जाहिर सी बात है अगर मैं इसको रिड्यूस करूं तो यहां से भी आपके पास आ जाएगा और यहां पे भी आएगा ठीक है ना अब इसके अंदर दो पॉसिबिलिटी है या तो दोनों ही क्या हो सकते हैं ये या तो सिस हो सकता है या फिर आपके पास क्या हो सकता है ट्रांस हो सकता है ठीक है अब इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री आ रही है तो प्लेन ऑफ सिमेट्री आ रही है तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा तो इसका एक ही बार कंसिडर करना पड़ेगा जबकि ये वाला ऑप्टिकल एक्टिव होगा तो इसका दो बार कंसिडर करना पड़ेगा तो टोटल स्टूडियो आइसोमर जो होंगे वो कितना आएंगे आपके पास तीन के बराबर आएंगे तो यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडियो आइसोमर्स जो होंगे बड़ा कितना आएंगे तीन तो इसका आंसर कितना बड़ा कितना आएगा तीन के बराबर आ जाएगा ठीक है नेक्स्ट चलिए आगे अब देखो इसमें क्या कह रहा है कि कौन सी रिएक्शन के अंदर मेजर प्रोडक्ट है ठीक है तो इसमें सभी को चेक करना पड़ेगा हाउ मेनी रिएक्शन कितनी अभिक्रिया में मतलब कितनी अभिग्रह में प्रोडक्ट जो है वो आपके पास मेजर प्रोडक्ट की फॉर्म में बन रहा है ये आपको बताना है ठीक है तो चलो सबसे पहले एच एन ओ टू तो कार्बोकेट्रेन बनेगा और कार्बोकेट्रेन बनेगा तो रीअरेंजमेंट होगा तो यहाँ पे क्या OH आएगा ओ एच आएगा ठीक है न एच बी आर कंसनट्रेटेड लेता हूँ तो यहाँ पे नॉर्मली एच बी आर में एस एन वन होती है कंसनट्रेटिव में तो ओ एच टू पॉजिटिव हट जाएगा तो यहाँ से भी आ रहेगा तो पहली वाली बात सही सेकेंड वाली बात बी आर टू सी सी एल फोर जरा ध्यान दीजिए अगर मैं बी आर टू सी सी फोर एंटी एडिशन होगा तो एंटी एडिशन में यहाँ पे मीजो प्रोडक्ट बन जाता है ठीक है ना यहाँ पर एच आए आएगा मीजो प्रोडक्ट ठीक है ना और यहाँ पे सी एस थ्री है ठीक है ना अब देखो एनआई एसीटोन में वापस एंटी एलिमिनेशन होता है और एंटी एलिमिनेशन में आपके पास क्या बनना चाहिए ट्रांस वाला बनना चाहिए ठीक है ना अच्छा सेम साइड में है ना तो सेम साइड में वापस क्या बनेगा ट्रांस एंटी एलिमिनेशन एन आई एसिटोन के अंदर जब डी एलोजिनेशन कराते हो तो यू ट्यूब के अंदर आपके पास एंटी एलिमिनेशन होता है और एंटी एलिमिनेशन होगा तो इसके वजह से आपके पास मीजो का अगर एंटी एलिमेंट करो तो ट्रांस वाला बनता है तो सेकंड वाली बात आपके पास क्या है सरासर गलत है ठीक है चलो आगे देखिए बेटा इसके अंदर एन है तो ये बी आर एनओ बैक साइड से अटैक करता भाई ठीक है ना एस एन टू मैकेनियम फोल होगा तो एस एन टू मैकेनि फोल होगा तो जरा ध्यान दीजिए यहाँ पे आपके पास क्या आएगा देखो नीचे की तरफ से क्या आएगा ओ अब आगे क्या है आपके पास एन एच है एच माइनस एच माइनस एच प्लस को ले लेगा तो इसकी ज्योमेट्री में कोई चेंज नहीं आएगा इसके स्टेल्टन में कोई चेंज नहीं आएगा तो इसने क्या लिया एच प्लस को ले लिया अब ये नीचे की तरफ ध्यान दे ये वाला क्या होगा नीचे की तरफ ठीक है ना ये वाला नीचे की तरफ है ठीक है न? अब क्या होगा सीएस थ्री आई के साथ रिएक्शन किया अगर ये सीएस थ्री आई के साथ रिएक्शन करूंगा तो ये वाला यहाँ पे अटैक करके इसको क्या कर लेगा डिस्प्लेस कर लेगा और इसको डिस्प्लेस करेगा तो, तो बैक साइड से ही जुड़ जाए यहीं पर जुड़ेगा कहने का मतलब यहाँ पे आपके पास क्या रहेगा ओ सीएस थ्री आ जाएगा ठीक है जबकि यहाँ पे ओ सी एस थ्री जो आ रहा है ऊपर की तरफ आ रहा है किसकी तरफ आ रहा है ऊपर की तरफ जबकि यहाँ पे आपके पास नीचे की तरफ आ रहा है तो ये वाला भी प्रोडक्ट आपके पास क्या होगा गलत प्रोडक्ट हो जाएगा ठीक है आगे चलिए इसको देखिए अगर मैं यहां पे एक्वस एन एन एस टू लेता हूं तो देखो बीटा पोशन पे देखो लिविंग ग्रुप ये वाला माना जाएगा यहां पे और बीटा पोर्सन पे आपके पास क्या आ जाता है लॉन्पर ऑफ इलेक्ट्रॉन आता है अल्फा और बीटा का आगे लॉन्पर ऑफ इलेक्ट्रॉन आता है तो लॉन्पर ऑफ इलेक्ट्रॉन आएगा तो एस एन एनजीपी हो जाएगा और एनजीपी में जनरली मेजर जो होता है वो रिटर्न होता है तो वो सेम साइड में जुड़ेगा तो इसका मतलब डी वाली बात क्या हो जाएगी सही हो जाएगी आगे वाली बात करते हैं ई वाली बात के बारे में ठीक है ना ई के बारे में तो देखो फर्स्ट वाली सही है सेकेंड वाली गलत है थर्ड वाली गलत है और फोर्थ वाली क्या है सही है इसको देखते अपन ई वाले में ई वाले में अपने पास ऐसा दे रखा जरा ध्यान दीजिए यहां पे ओ है अगर मैं इसका हाइड्रोलाइसिस कराऊ तो हाइड्रोलाइसिस से मैं बता देता तो, हूं क्या ऑप्टेंट होगा यहाँ पे तो ओ एच आ जाएगा और इस जगह पे ओ वो अचाएगा और डबल बॉन्ड पे ओ तो क्या करोगे टोटो तो यहाँ पे ओ एच है

एंड फोर कार्बन वन टू थ्री फोर कार्बन ठीक है ये वाला बन जाएगा अब एच ले लिया तो एच में जनरली क्या होता है नॉर्मली वन डिग्री के साथ जब जुड़ रहा हो एच बी नहीं है नॉर्मली दे रखा हो तो वन डिग्री के साथ दे रखा हो तो नॉर्मल ही प्रोडक्ट बनाना है रीअरेंज प्रोडक्ट आपको नहीं बनाना है तो यहाँ पे क्या आएगा बी आर आएगा और एलिमिनेशन करोगे तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा तो ये थर्ड वाली बात ई वाली बात क्या हो जाएगी सही हो जाएगी ठीक है ना तो ई वाली बात बेटा सही है ठीक है ना जब पहले कौन सी सही थी ये भी सही थी ये वाली गलत थी ठीक है ना ये वाली आपके पास क्या थी गलत थी क्योंकि साइड में ऊपर वाले में जोड़ रखा है इन्होंने ये वाली बात क्या है सही है ठीक है ये वाली बात सही अब इसको देखते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस करोगे तो ये वाला पार्ट आ जाएगा तो यहाँ पे सी एस टू डबल बॉन्ड सी एस टू बी आर टू सी सी एल फोर लोगे तो यहाँ पे आपके पास बी आर टू सी सी एल फोर में क्या बन जाएगा यहाँ पे सी एस टू बी आर और सी एस टू बी आर एन ए बी एस टू के साथ रिएक्शन करोगे तो यहाँ पे ये वाला ट्रिपल बॉन्ड आएगा और, और एक्सेस में लेते हो तो यहाँ पे माइनस और यहाँ पे माइनस और वापिस एच प्लस दे दिया तो वापिस ये वाला बन जाएगा तो ये वाली बात एफ वाली बात क्या हो जाएगी सही हो जाएगी तो कहने का मतलब यहां पे प्रोडक्ट कौन कौन से सही है देख लीजिए तो फर्स्ट थर्ड ये और ये तो टोटल चार आपके पास रिएक्शन सही है तो इसका आंसर क्या आएगा बड़ा चार के बराबर आ जाएगा ठीक है नेक्स्ट देखिए अगला हाउ मेनी डिफरेंट अल्काइन इंक्लूडिंग कैटेलिक और गिव द सेम थ्री मिथाइल एक्सन आपको क्या बताना है थ्री मिथाइल एग्जेन बनाना है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स वन टू थ्री थ्री पे मिथाइल चाहिए ठीक है ना अब आपको पता बताना ऐसे कितने अल्कन लोगे तो रिडक्शन करने पे ये वाला बनता है ठीक है चलो मैं ले ले तो अलग अलग केस वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स और ये थ्री पे मिथाइल एक ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पे ले लिया ठीक है ना ले सकते हो दूसरा वापिस मैं ले तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स ठीक है हम एक ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पे भी ले सकते हैं ठीक है ना तीसरा अच्छा एक बात बताऊं मैं आपको वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स यहाँ पे यहाँ पे हम ट्रिपल बॉन्ड किसी भी हालत में नहीं ले सकते क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड अगर लेते तो कार्बन की वैलेंसी पांच हो जाएगी जबकि कार्बन की वैलेंसी पांच नहीं हो सकती तो ये वाला आप नहीं ले सकते किसी भी हालत में ठीक है अच्छा ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पे भी तो नहीं जोड़ सकते लेकिन यहाँ पे आप जोड़ सकते हो तो अगर मैं यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड जोड़ता हूँ वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स ठीक है ना तो एक ट्रिपल बॉन्ड यह आएगा अब देखो तीन तो अल्किन बन गई अब इसमें भी चेक करना है ये वाला कार्यल कार्बन है तो इसका दो कंसिडर करना पड़ेगा ठीक है ना अगेन ये भी कार्यल कार्बन तो इसका दो कंसिडर करना पड़ेगा और ये भी कार्यल कार्बन तो दो कंसिडर करना पड़ेगा तो कितना आएगा दो दो चार दो छह तो पॉसिबल जितने अल्काइन होंगे वो कितने होंगे छ के बराबर पॉसिबल अल्काइन जो होंगे बड़ा कितने होंगे छह के बराबर इस तरीके से आप चेक कर लोगे ठीक है चलो आगे देखिए क्या कह रहे हैं वन क्लोरोल साइक्लो एक्जेट्रेटेड विथ ठीक है ना देख लेते हैं

आकर हो रहे बोला गया हाउ मेनी सब्स्यूशन प्लस एलिमिनेशन प्रोडक्ट रिजल्ट को मानते तो हुए OH और दूसरा आपके पास यहां पर सीएस नीचे इसमें भी प्लेन ऑफ सिमेट्री आएगी और इसमें भी प्लेन ऑफ सिमेट्री आएगी तो इसमें कोई ऑप्टिकली एक्टिव तो होगा नहीं तो इसके कितने आएंगे दो आएंगे प्रोडक्ट ठीक है ना इसके देखिए इसमें आपके पास केवल एक ही कार्यल कार्बन आ रहा है आ रहा नहीं आ रहा और एक कार्यल कार्बन तो इसके भी दो गिने जाएंगे तो दो और दो कितने आएंगे टोटल चार। तो नेक्स्ट चलिए अगला टू फोर डाई क्लोरो पेंटेन इज ट्रीटेड विथ वन इक्वलेंट ऑफ ओनली वन एस एल इज टू गिव क्लोरो पेंटिन ठीक है ना हाउ मेनी डिफरेंट क्लोरो पेंटिन फॉर्म चेक करते पहले लेते हैं। दो तीन चार और पांच ठीक है ना दो और चार पे अपन क्या ले लिया ये वाला ले लिया ठीक अब इन्होंने किसके साथ साथ कराई? के ना और ओनली वन एस सी एल मतलब एलिमिनेशन या तो यहां से करा सकते हो या तो फिर यहां से करा सकते हो दोनों में से यहां से एलिमिनेशन करो यहां से करो एक ही बात है तो मैं कहीं एक जगह से करा देता हूं अगर मैं यहां से एलिमिनेशन कराऊ तो एक डबल बॉन्ड यहां पर आएगा ठीक है ना और अगर मैं यहाँ से एलिमिनेशन यह एक डबल बॉन्ड ये वाला बन जाएगा इसके अलावा और कोई अच्छा यहां से कराओगे तो कोई बात सेम ऐसे ही बन जाएगी तो उसका कोई मतलब नहीं होगा अब देखो यहाँ पे क्या कारेल आ रहा है कारियल कार्बन आ रहा है आ रहे नहीं आ रहे तो इसके आपके पास दो प्रोडक्ट होंगे ठीक है ना ये वाला जोमेटिकल सेंटर है अगेन साथ में ये वाला कारियल कार्बन भी तो है ठीक है तो कारियल कार्बन भी और जोमेटिकल सेंटर भी है दोनों हैं तो दोनों होने का मतलब क्या होगा इसके चार होंगे तो चार प्लस दो टोटल छ तो इसका आंसर कितना पड़ा कि छ के बराबर आ जाएगा ठीक है चलो नेक्स्ट देखिए हाउ मेनी डिफरेंट कीटोन ऑन ट्रीटमेंट विद ग्रीगनॉट रीजन फॉलोड बाई कैन गिव ठीक है तो आपको टू साइक्लो पेंटे नाइल ब्यूटनॉल दे रखा है तो पहले मैं ब्यूटेनॉल वन टू थ्री फोर और ये डबल बॉन्ड नहीं नहीं नहीं, नहीं, नहीं। वापिस ले लेता हूँ वन टू थ्री फोर ठीक है न दो पे तो आया ठीक है और दो पे साइक्लोपेंटाइल दे रखा है दो पे क्या दे रखा है साइक्लोपेंटाइल ठीक है अब एक बात बताओ कीटोन की जब ग्रीनॉट रेजेंट के साथ रिएक्शन कराते हैं तब आपके पास क्या बनता है तब आपके पास अल्कोहल बनता है ठीक है अब कौन कौन से हाउ मेनी डिफरेंट कीटोन्स यूज कौन कौन से डिफरेंट कीटोन्स यूज कर सकते हैं ये पूछा है तो देखो सबसे पहले तुम्हें तो अगर इसको ग्रिगनो रिएजेंट का पार्ट अगर मान लेता हूं तो पहला केस तो ये वाला बन सकता है देखना एक कीटोन ये वाला आएगा ताकि ये वाला ग्रिग्नोर रिएजेंट होगा वो दूसरे पे अटैक करके ये वाला बना देगा ठीक है दूसरा मैं ये वाला ले सकता हूं अपने पास साइक्लोपेंटाइल का केस ले लिया और यहां पे मैं क्या लेता हूं डबल बॉन्ड ओ तब ये वाला ग्रिगनॉन रिएजेंट की तरफ करेगा ग्रिग्नोर रिएजेंट का पार्ट हो जाएगा और तीसरा मैं ये वाला ले सकता हूं देखो डबल बॉन्ड ओ तो ये वाला ग्रीन और रेजेंट की तरफ भी करेगा अटैक करके इस पर ये तो आपके पास टोटल जो आ रहे हैं वो कितने आ रहे हैं तीन आ रहे एक तो ये वाला एक ये वाला ये वाला तो इसका आंसर आपके पास कितना आएगा तीन के बराबर आ जाएगा ठीक है भाई तो इसमें आप पास आंसर थर्ड के बराबर आ जाएगा ठीक है भाई चलो नेक्स्ट देखते हैं अगला क्या कह रहा है हाउ मेनी रिएक्शन ऑर्गेनिक प्रोडक्ट बताने है प्रोडक्ट में ठीक है ना तो पहले आपको ओरलाइसिस कराना है ये थोड़ा अच्छा प्रॉब्लम है थोड़ा सा ध्यान दीजिए अगर मैं इसका ओजनलाइसिस कराता हूं तो डबल बॉन्ड ओ और यहां पे डबल बॉन्ड लेकिन मुद्दे वाली बात क्या है कि इसका आप ओजनलाइसिस करा रहे हो यहां पे तो ये दोनों यहां पे ब्रिज हेड है तो ये दोनों एक ही साइड में रहेंगे ऐसा नहीं कि इसको कार्यल कार्यल कार्बन है अपनी जगह पे लेकिन ये दोनों एक ही साइड में रहेंगे तो ये दोनों एक ही साइड में रहेंगे मतलब इसकी जोमेट्री सी, सी होगी क्या होगी बेटा सीसी तो कहने का मतलब मैं इसको अगर मैं ऐसे बनाऊं इसको फाइव मेंबर रिंग बनाऊँ ये वाला पार्ट फाइव मेंबर रिंग का है और अगर मैं यहाँ पे डबल बॉन्ड ओ लेता हूँ यहाँ पे डबल बॉन्ड ओ लेता हूँ ठीक है ना तो इसकी जोमेट्रिक ध्यान रखिए फिक्स रहेगी ये सिस की तरफ ही रहेगा ये दोनों ही क्या होंगे सिस होंगे ठीक है ना ऊपर की तरफ ही रहेंगे ठीक है ना समझ में आ गया दोनों ही फाइव मेंबरिंग आ गई और ये दोनों एक ही साइड में रहेंगे की तरफ। अब अपने सीएस एम जी बी आर एक्सेस में रिएक्शन कराया तो सी एस थ्री एम जी बी कीटोन के साथ रिएक्शन करता है तो यहाँ से आपके पास क्या बनेगा देखो यहाँ से आपके पास ये वाला आ जाएगा यहाँ पे तो ओ आ जाएगा और यहाँ पे सी आ जाएगा सेम केस यहाँ पे ओ और यहाँ पे सी ठीक है ना अच्छा यहाँ पे एक नया कायरल कार्बन और यहाँ पे भी कायरल कार्बन ठीक है ना लेकिन ये इसकी ज्योमेट्री इन दोनों की फिक्स होगी ये शीश है तो शीश ही रहेगा तो इसमें कोई चेंज नहीं कर सकते भाई इसमें ऐसा नहीं है कि दूसरा ले लेंगे तो अब देखो इसकी ज्योमेट्री तो कोई सी भी हो सकती है यहाँ पे दो कायरल कार्बन ठीक है ना अब ये पूरा का पूरा क्या रहा है सिमेट्रिकल आ रहा है तो सिमेट्रिकल में जब दो कायरल कार्बन हो तो फॉर्मला आपको पता ही टू की फॉर एन माइनस वन प्लस टू की फॉर एन डी और टू माइनस वन वाला फॉर्मुला लगाओगे तो टोटल स्टीरियो आइसोमर तीन आएंगे इनको हम नहीं गिनेंगे भाई इन कार्बन को नहीं गिनेंगे क्योंकि इनकी जोमेट्री फिक्स है ये दोनों एक ही एक साइड में रहेंगे तो इनको दो बार कंसिडर नहीं किया जाएगा ठीक है ना और जबकि इनकी ज्योमेट्री अभी फिक्स नहीं है और सिमेट्रिकल के तो में फॉर्मुला कौन सा वैल्यू रखोगे आप तो आपके पास नंबर ऑफ कितने आएंगे तीन आएंगे तो इसका आंसर कितना बड़ा थ्री के बराबर आ जाएगा ठीक है चलो नेक्स्ट चलते अगला प्रॉब्लम हाउ मेनी डिफरेंट सिक्स कार्बन हाइड्रोकार्बन ऑन रिडक्टिव ओजनलाइस गिव द सेम प्रोडक्ट एज सोन बिलो कौन कौन से सिक्स कार्बन युक्त हाइड्रोकार्बन बताना है जिसके ऑर्जनलाइस ये वाला बन जाता है ठीक है तो देखो पहले मैं इन दोनों को जोड़ दूं इन दोनों को जोड़ दूं इन दोनों को जोड़ूंगा तो देखना जरा ध्यान देना भाई टोटल कार्बन कितना है एक दो तीन चार पाँच छः तो तीन और तीन छः ठीक है ना और इसको इधर से जोड़ा ये डबल बॉन्ड ठीक है ना ये वाला अगर इसका ओर्जनलाइसिस करोगे तो ये वाला बन जाएगा हमने इन दोनों को कपल्ड किया ठीक है ना दूसरा केस इन दोनों को भी मैं ले सकता है ना और इन दोनों को अगर लेता हूं तो यहाँ पे फोर अगर लेता हूं इन दोनों को तो 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 आपके पास अपने पास कौन सा बनेगा ये वाला डायरेक्टली अटैच होगा यहाँ पे डबल बॉन्ड ठीक है ना और उस साइड में यहाँ पे डबल बॉन्ड तो इसका तो ये वाला बने दो ये वाला होगी ठीक है ना अच्छा एक केस ये भी बन सकता है अगर चाहो तो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड बना दो और इसको जोड़ दो मतलब एक केस ये भी बन सकता है लेकिन ध्यान दे सिक्स मेंबर रिंग में ट्रिपल बॉन्ड स्टेबल नहीं होता ब्यंजन के केस में हो सकता है बाकी किसी में सिक्स मेंबर रिंग के अंदर आपके पास ट्रिपल बॉन्ड स्टेबल नहीं होता जब तक नंबर ऑफ कार्बन जो है आठ या फिर आठ से ज़्यादा नहीं हो तो ये वाला केस कंसिडर नहीं करेंगे तो आपके पास दो आ जाएगा ठीक है ना तो इसमें आंसर कितना आएगा हाउ मेनी सिक्स कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोकार्बन जो होंगे वो टोटल कितने होंगे कि दो के बराबर आ जाएंगे ठीक है भाई चलो नेक्स्ट देखिए अपने पास अगला प्रॉब्लम कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ एसन वन प्रोडक्ट ठीक है क्लोरोब्यूटेन ऑन रिएक्शन विथ एन एच प्लस एच टू गिव नाइनटी पर, अब एक बात ध्यान रखना नाइनटी एट परसेंट जो है वो इनवर्टेड प्रोडक्ट दे रखा है इनवर्टेड प्रोडक्ट नाइंटी एट परसेंट इन्वर्टेड तो बच्चा वह दो परसेंट जो होगा वो रिटेंशन वाला होगा ठीक है ना दो परसेंट रिटर्न अब इसमें भी आप ध्यान रखिए दो परसेंट रिटर्शन वाला एस एन वन में क्या होता है रिटेंशन और इन्वर्जन दोनों होता है बराबर अमाउंट में तो 2 दे दो परसेंट रिटर्न दो परसेंट इन्वर्जन एस एन वन वाले के अंदर इंक्लूड हो होगा और बाकी नाइनटी सिक्स परसेंट प्योर इन्वर्जन होगा ठीक है ना तो आपको परसेंटेज ऑफ एस एन वन पूछा है तो एस एन वन में परसेंटेज में क्या आएगा रिटेंशन और इन्वर्जन दोनों आएंगे भाई तो दो परसेंट रिटर्न हो जाएगा और एग्जैक्टली दो परसेंट क्या होगा इन्वर्जन तो टोटल आपके पास कितना चार परसेंट एस एन वन का परसेंट आएगा तो इसमें पूछेगा एस एन वन का परसेंटेज कितना है तो आप कितना बताओगे फोर कि परसेंट आ जाएगा ठीक है भाई इसमें एस एन वन का परसेंटेज फोर परसेंट आ जाएगा ठीक है चलो नेक्स्ट देखिए कैलकुलेट द नंबर ऑफ प्रोडक्ट वो साइक्लो क्लोरोसाइक्लोब्यूटेन रिएक्ट विद एल्कोलिक्वेचन हीट ठीक है क्या कह रहा है टू क्लोरोसाइक्लो पहले इसको बना देते हैं हेक्सेन ले लिया वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स हेक्सेन है ठीक है ना

नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी टू बताना है और जो सी दे रखा है वो बेसिकली क्या है जो भी कमरे इसमें अल्फा हाइड्रोजन बताना है ठीक है चलो पहले यहां पे ओजनलाइस कराते हो ऑक्सीडेटिव एच टू ओ टू दे रखा तो एच टू ओ टू का मतलब क्या होगा ऑक्सीडेटिव ऑजनलाइस चलो ऑक्सीडेटिव ऑर्जनलाइस यहां पर जुड़ जाएगा यहां वाला टूट जाएगा और यहां वाला टूट जाएगा ठीक है ना तो पहले तो ये वाला जो है ना जो बन रहा है ऑक्सीडेटिव इस वजह से यहाँ पे मी सी ओ टू निकलेगी इसमें भी सी ओ टू और इसमें भी सी ओ टू तीन मोल सी ओ टू निकलेगी प्लस ये वाला जो है डबल बॉन्ड ओ में ही रहेगा ठीक है ना और ये वाला डबल बॉन्ड आ गया इस जगह पे आपके पास डबल बॉन्ड हो जाएगा अब मुद्दे वाली बात मैं बताऊं तुम मुद्दे वाली बात क्या है मैं बताऊं ये एल है लेकिन ऑक्सीडेटिव ऑक्सीडिटी ओजन किस में कन्वर्ट होता है कार्बोक्सोलिक एसिड में कन्वर्ट होता है तो बी वाला जो होगा आपके पास ये वाला है सी गैस निकल बी वाला ये वाला होगा अब देखो इसको हीटअप किया एक बात ध्यान रखें जब भी आप इसको हीटअप करोगे तो देखो कार्बोक्सिलिक एसिड की बीटा पोजीशन पे सी डबल बॉन्ड आए ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड है ये भी कार्बो बीटा पोजीशन पे सी डबल बॉन्ड आए तो सी ओ टू सी टू यहाँ से रिलीज हो जाए तो सी टू कितने मोल रिलीज होगा दो मोल ठीक है ना दो मोल सी टू रिलीज हो जाएगा प्लस बीच में आपके पास कीटोन बनेगा तो कीटोन में आपके पास सी डब सी एस थ्री सी डबल बॉन्ड और सी एस थ्री तो ये वाला आपके पास क्या आएगा सी आएगा बोला क्या क्या सी ओ टू के कितने मोल तो तीन मोल पहले रिलीज हुए थे और दो मोल बाद में तो टोटल सी टू के मोल कितने बने थे पाँच सी ओ टू अट गए और फिर बाद में अल्फा हाइड्रोजन पूछा है तो अल्फा हाइड्रोजन इसके अंदर कितना आ रहा है तीन और तीन कितना आ रहे हैं छे तो छः अल्फा हाइड्रोजन आ रहे हैं आपको टोटल एक्स प्लस वाई मतलब पांच प्लस छह टोटल कितना होगा ग्यारह तो आंसर आपके पास कितना आएगा इलेवन के बराबर आ जाएगा ठीक है भाई तो इसमें ऐसे पूछा जाएगा इस तरीके से आप आंसर निकाल दोगे ठीक है चलो थैंक यू वेरी मच